पीछे जो बच्चे बैठे हैं ये बच्चों को बोल दो अभी चले जाए, प्रसाद का समय में आए, इसको बैठने मत दिया करो, ये कथा नहीं सुनेंगे, सुनने नहीं देंगे। बोले प्रसाद का समय में आए, अभी उनको बोल चले जाए। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रभुष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रभुष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर सत श्री श्री श्रीमाद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवियों को यथायोग्य प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। गत कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कैसे भगवान कृष्ण मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए। लेकिन कृष्ण गीता में कहते हैं अर्जुन मेरा जन्म नहीं है, मैं अजन्मा हूँ, लेकिन मैं अजन्मा होते हुए भी मैं जन्म लेता हूँ। फिर भगवान क्यों अजन्मा होकर क्यों जन्म लेते हैं? हमारे टीकाकारों ने बड़ी बड़ी रहस्य बात बताई, उसमें पीछे बहुत बहुत सारे कारण बताए। आज हम इसकी 10 कारण सुनेंगे। कितना कारण सुनेंगे? राहुल देव को आता है 10 कारण क्या 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 कारण है कृष्ण जन्म क्यों हुए? देख के वो हरे कृष्ण। आज सुन लो, कल मैं आपसे पूछूंगा, आपसे मैं सुनूंगा, ठीक है? बोले पहला कारण है कृष्ण, पहला कारण है बोले अनुग्रहाय भक्तानां कर्मी विविध क्रिया। कहते मैं भक्तों को ऊपर में अनुग्रह करने के लिए मैं जन्म लेता हूँ। अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते, कल हम जो बड़े धूमधाम से कृष्ण का जन्मोत्सव मना रहे थे, आज कृष्ण के सुंदर सुंदर लीला कथाओं को सुनेंगे, अगर कृष्ण जन्म नहीं लेते फिर क्या हम कथा सुनते? नहीं सुनते। फिर तो घर में बैठ करके बहू बेटियों की दुनियादारी की बात करते थे। इसलिए ठाकुर जी जीवों को कल्याण करने के लिए ठाकुर जी जगत में जन्म ग्रहण करते हैं, ये पहला कारण है। बोले दूसरा कारण है जब कंस के कारागार में प्रभु कंस के कारागार में प्रभु जब चतुर्भुज रूप लेकर के प्रकट हुए, देवकी वसुदेव बोले प्रभु आपको तो मैंने बालक रूप में प्रार्थना की थी, अब ये चतुर्भुज रूप लेकर क्यों प्रकट हुए? तब ठाकुर जी उनकी पूर्व जन्म की कथा सुनाए। बोले तुम दोनों पूर्व जन्म में कृष्णी और सुतपा थे, राजा रानी, लेकिन संसार का कोई भी विषय वस्तु का अपने भोग नहीं किया। जो पेड़ से पत्ते गिर जाते थे उसको खा खा करके 10,000 साल तक तपस्या की। जब मैं संतुष्ट होकर के दर्शन दिया, बोले वर मांगो, तुम दोनों ने बताया था प्रभु आप जैसे मेरे को तो बेटा चाहिए। भगवान बोले मेरे जैसे तो कोई होते ही, क्योंकि उनको वेद में बताए भगवान न तत् समस्याभ्य अधिकस्य दृश्यते, भगवान से बड़े की बात छोड़ दो, भगवान के बराबर भी जगत में कोई नहीं है। बोले मैं ही तुम्हारी बेटा बनकर के आ जाऊंगा, इसलिए ये एक कारण है। तीसरा कारण बताए कहते द्रोण और धरा, ये दोनों की ब्रह्मा जी की उपासना की। जब ब्रह्मा जी संतुष्ट हुए बल वर्मा को, बोले प्रभु जी जैसे एक बच्चा स्वाभाविक रूप में माँ की पेट से जन्म लेता है, आप भी मेरे पेट से जन्म ग्रहण करना। जैसे माँ उसको लाल लड़ाती है, पल्ला में झुलाती है, अंगुल पकड़ करके टुमुक टुमुक करके उसको चलाना सिखाती है, अगर कहीं गलत काम मेरे उसको शासन भी करती है, इसलिए ऐसे मैं चाहता हूँ। बोले ठीक है। बोले वही द्रोण और जो धरा थे ये नंद जसोदा रूप के जगत में आए और ठाकुर जी गोकुल में नंद के लाला बन करके ठाकुर जी आए,
बोले श्री नंद के लाला की, बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। कितना कारण हो गया, आप लोग कोई गिने नहीं, तीन कारण हो गया। कल मैं पूछूंगा याद रखना सर। चौथा कारण बताए, कल भगवान वामन देव आपने भी दर्शन किया, जब ये बलि महाराज के दरबार में आए, बड़े सुंदर ठाकुर जी थे। माता मुदाय के स्वभाव है, अगर किसी सुंदर बच्चे को देखे इच्छा करना इसको गोद में हम ले, उसको हम प्यार करें। अभी ठाकुर जी को देख करके बलि महाराज की बेटी रखने वाला, इसकी मन में इच्छा हुई, अगर ये मेरे बेटा बन कर आता तो दिन रात इसको मैं गोद में लेकर के प्यार करती। ठाकुर जी बोले कोई बात नहीं, मैं आ ही जाऊँगा। लेकिन जब ठाकुर जी त्रिविक्रम रूप धारण किया, एक पग में भूर भुवा मोह जन तप सत्य लोग को नाप लिया, दूसरे पग में अतल वितल कला तल पातल लोगों को, बोले बली बड़ा ठीक है आग रहा था, मैं इतना दान दूंगा कहिए आपको हाथ पसारने का जरूरत नहीं, बताओ तीसरे पग कहाँ रखूँ। इतने में उन्होंने वरुण पास में उनको बांध दिए, उनको बेटी रत्नमाला ने देखी, पिताजी का तो सब कुछ हरण कर लिया, लेकिन मेरे पिताजी को बांध भी दिया, अगर तू मेरे बेटे बन करके आओगे तेरे को मैं दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। इसलिए कोई रत्नमाला कृष्ण लीला में क्या बन करके आती है, बोलो जोर से, पुतना बन करके आती है। अभी पुतना आने वाली है, पुतना सावधान रहना सब, इसलिए ये पुतना बन करके आती है। इसलिए ठाकुर जी इनको भी कल्याण किया ठाकुर जी। उसका पंचमा कारण बताए, जब भगवान राम लक्ष्मण सीता वनवास में गए, रावण का बहिन सुपर्ण था, जब प्रभु राम रूप को देखा तो बाबरी बन गई, क्या सुंदर साक्षात जैसे काम दे मदन मोहन जैसे बड़े सुंदर। अभी उसने मन मन में भगवान राम को पति रूप में प्रार्थना किया कि जिस मेरे पति बने, बड़ी सुंदरी बन कर के आई। आकर के प्रभु राम को बोले, बोले देखो मैं जितने सुंदर ही हूँ तुम्हें भी ठाकुर ने ऐसे सुंदर बनाया, हमारी जोड़ी बड़ी प्यारी है, हमसे ब्याह कर। भगवान राम बोले ये तो ऑलरेडी मेरी सीता है, बल इसकी शरीर में क्या रखा हुआ, हड्डी हड्डी, देख मैं जितने सुंदर ही हूँ मेरे से जो ब्याह रचाएगा। बोले मैं तो सीता को छोड़ करके रघु कुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई भरो बचन न जाए, हम अपना पत्नी को छोड़ करके हम और किसको में स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। ठाकुर क्या सिखा देते, भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुष होता है, भगवान सिखा देते जब हमारी शादी हो जाए ना, ऐसे नहीं शादी एक को करे और छुपा करके दूसरे से प्रेम करे, नहीं, भगवान कहते ऐसे करने से भ्रष्टाचार कहलाएगा, भगवान की व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। शादी जिसको साथ में करते हैं उसकी साथ में ही धर्म पूर्वक अपना संसार को व्यवहार करनी चाहिए। इतने में लक्ष्मण गया था जंगल में लकड़ी लेने के लिए, जब उसने वापस आया, बोले ये कौन है, बोले मेरे छोटे भाई, बोले ये तो बड़े सुलीले बड़े सुंदर है, बोले इससे मैं ब्याह कर सकती हूँ, बोले तेरे जैसे मनमानी को कौन रोक सकता, पूछ कर देख ले। लक्ष्मण को बोले मेरे से शादी कर ले, बोले देखा तू प्रभु राम से कुछ बोल रही थी, बोले उसने मेरे प्रेम को समझा नहीं, तू मेरे प्रेम को समझो, तू मेरे से ब्याह कर ले। बोले तू रानी बनना चाहता है ना दासी, बोले रानी, बोले मैं तो प्रभु की सेविका हूँ सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना सेवकाई करते करते थक जाओगे, कहा रानी बनने की स्वप्न देख रहे हो, जा राम के पास में जाओ। फिर जब गया फिर भगवान उसको स्वीकार नहीं किया, बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, प्रार्थना करने वाले नहीं हूँ मैं, रावण का मैं बहन ही हूँ सुपर्ण का, ये सीता जितने गड़बड़ी कर रही है अगर इसको मैं खा जाऊंगी तभी तो शादी करोगे। इतने में असली रूप में आकर की जब सीता को खाने के लिए गई, भगवान राम ने आदेश दिया नाक काट दो इसकी, लक्ष्मण ने नाक काट दिया, लक्ष्मण ने नाक काट दिए। फिर वो जो सुपर्णिका थी ये कृष्ण लीला में बताओ तो क्या बन कर गया, कौन बोलेगा उसको इनाम दिला क्या बन कर गया,
ये को विचार बन करके आ रही है, कहते ये कोबा की कुबिजा बन करके आ रही। इसलिए भगवान कृष्ण जब मथुरा में प्रवेश किया, जिस गली में भगवान प्रवेश कर रहे थे उसी गली में बल श्री राम बल श्री कृष्ण बलराम की, जोर से बोलो बल श्री कृष्ण बलराम की, हर गली गली में प्रभु की जय जयकार हो रही थी। इतने में ये सुपर्ण का क्या करती थी, ये रोज रोज कंस को हरे सुंदर चंदन से श्रृंगार तिलक करती थी, चंदन से श्रृंगार जिंदगी भर की। लेकिन जब वो जा रही थी, कृष्ण बलराम चल रहे थे, इतने में कृष्ण सखाओं ने बोले कन्हैया अगर थोड़ी सी तिलक हो जाए आनंद आ जाएगा। बोले चिंता क्यों कर रही हो, वो कुबजा जा रही थी। भगवान कृष्ण बोले ओ सुंदरी सुंदरी, कुबजा देखने में इतने बदसूरत थी, जब बच्चे उसको देखते थे ना भाग जाते थे, इतने बदसूरत थी। लेकिन भगवान बोले ओ सुंदरी, बोले आज मेरे को जिंदगी में किसी ने सुंदरी बोला ही नहीं, जीवन में पहला बार मेरे को कोई सुंदरी बोल रहे, कौन है? देखा भगवान कृष्ण बलराम हैं, इनके रूप को देख करके बोले हमें थोड़ा तुम श्रृंगार कर लोगे, बोले आपको नहीं करूंगी तो मैं किसको करूंगी। तो उन्होंने बड़े सुंदर रूप को श्रृंगार कर दी। जब श्रृंगार कर दी सखाओं ने बोले कन्हैया तू तो केवल लेनो ही लो न जानते हो, तू तो देना कभी सीखा ही नहीं। बोले किस चीज की? बोले देख ये तीन जगह से ये कुबड़ी इसको ठीक कर दो, तीन जगह से टेढ़ी। बोले भैया मैं भी तो टेढ़ा हूँ, वो भी टेढ़ी, जोड़ा जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, हैं? मैं भी टेढ़ा हूँ ये भी टेढ़ी है। बोले कन्हैया थोड़ी सही कर दो। इतने में कृष्ण प्यार एक प्यार में एक प्यार रखे, कमर में एक हाथ और थोड़ी में ऐसे झटका मारे ना तो प्लास्टिक सजे कर दी। वो इतने सुंदरी हो गई, भगवान की स्पर्श हो गया ना, इतने सुंदरी बन गई, अपना रूप को देख करके सहन नहीं कर पाई, इतने अपूर्व सुंदरी बन गई। इतने में उन्होंने कृष्ण के कपड़े पकड़ लिए, बोले प्रभु ये रूप आप ही दिए हो, इसको आप ही उपभोग कर सकते। कृष्ण बोले तेरे को शर्म नहीं लग रही, यहाँ ताऊ भैया खड़े हुए जेठ खड़े हुए तू कपड़े पकड़ कर खींच रहे हो, अरे नहीं मैं कंस को मार करके भरत मारी उधार करने आऊ। देखो ये चीज समझो, ये कुंजा ने जिंदगी भर कंस को उसने श्रृंगार किया तिलक लगाई, लेकिन ये कुबड़ी की कुबड़ी बन गई। लेकिन केवल एक दिन कृष्ण को उसने श्रृंगार कर, कृष्ण ने क्या किया उसको क्या सुंदरी बना दी, अपूर्व सुंदरी बना दी। यहाँ सिखा देते हैं, देखो ये दुनिया की भले ही सेवा करते करते तुम मर जा, दुनिया की सेवा करते करते थक जा, लेकिन भैया कुबड़ी की कुबड़ी बनी रहोगी, जगत में किसको खुश नहीं कर सकते हो। आप बताओ जिंदगी भर तो दूसरों को खुश के लिए सब कुछ कर रहे हैं, पति को कैसे खुश करे, देवर के कैसे खुश करे, सास को कैसे खुश करे, पति को बहू को कैसे खुश करे। अभी तक तो तुम्हारी पर संसार कभी खुश हुए, पीछे तुम्हारी चुगली के सिवाय कुछ नहीं होती, पीछे तुम्हारी चुगली और कुछ भी होती नहीं होगी। इसलिए कहते भैया दुनिया तेरे को चुगली ही देगी और कुछ देने वाले नहीं। लेकिन सेवा करना तो किसकी सेवा करो, भगवान कृष्ण की सेवा करो, बस वही देने वाले हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की जय। इसलिए यदि ये एक कारण है, यदि ये एक कारण है भगवान क्यों कृष्ण अवतार में ठाकुर जी क्यों कृष्ण अवतार कृष्ण अवतार में ठाकुर जी क्यों आए, ये भी एक कारण है। और एक कारण बताए, जिस समय में भगवान राम लक्ष्मण सीते जब वनवास में गए थे, वनवास में जाते समय दंडकारण्य में जब गए, वहां पर बड़े बड़े ऋषि लोग कठोर तपस्या कर रहे थे गोपाल मंत्र में, लेकिन उनकी सिद्धि नहीं हो रही, भजन में भी उत्साह नहीं आ रहा था। जब भजन में उत्साह नहीं आ रहा था, इतने में जब प्रभु राम को देखे, राम और श्याम एक ही है,
अभी उन्होंने राम को देख करके श्याम की याद आई, तब प्रभु राम को बोले प्रभु हम अपना पत्नी रूप में हमें स्वीकार करो। भगवान कृष्ण बोले देखो ये रामावतार में मैं सीता के सिवाय और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता, तुम सबके साथ द्वापर युग में गोपी बन कर आए। ये जितने सब ऋषि मुनि थे ये द्वापर युग में गोपी बन कर आए, इसलिए ये गोपियों को कोई लड़की मत समझना है, हम जैसे लड़की हैं ये सबके सब लड़कियां नहीं, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी वेद का मंत्र इन लोगों ने सबके सब कृष्ण लीला में ये गोपी बन करके आए और ठाकुर जी इनकी सारी इच्छाओं को ठाकुर जी ने पूरी की। कहते वेद का कुछ मंत्र थे ऋचा गुण थे, ये लोग भी कृष्ण को बड़े कठोर तपस्या की। जब कृष्ण संतुष्ट हुए बोले प्रभु, भगवान बोले बताओ क्या चाहिए, बोले प्रभु वेद बचा तू वहां पर रह, कोई आएगा अंदर में घुसने में कोई जो आएगा हाथ से ऊपर तू वहां जा बाहर, जिसको यहाँ आने नहीं देना तुम भी नहीं आना, जो कुछ लाएगी वहीं पर रखना, जब कीर्तन हो तब यहाँ पर लाना ठीक। एक सेवा हाँ तो सुन बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की आज के आनंद की, इसलिए कभी जो वेद का जो मंत्र है ये मंत्र भी कठोर तपस्या की, भगवान को जब गोपी भाव से प्रार्थना की बोले ये अवतार नहीं, सबके सब द्वापर अब युग में सबके सब गोपी बन करके आओ, तुम्हारी इच्छा पूरी करेंगे। तब वो गोपी बन करके आए। देखो कृष्ण ऐसे के ठाकुर है, आप इनको पास में किसी रूप में क्यों नहीं आ जाए, कुबड़ी भी आ गई राक्षस भी आ गई जगत में जिसको कोई भी स्वीकार नहीं किया वो भी आ गए, लेकिन हमारे श्री बांके बिहारी सबको स्वीकार कर लेते हैं, ठाकुर जी सबको स्वीकार कर लेते हैं। इसका मतलब है हमें जानी चाहिए तो अंदर में कोई मत आओ, यहाँ पर कोई आना नहीं इसको दे देना, इसलिए भगवान कृष्ण को ही हमें भक्ति करनी चाहिए। बोले श्री बांके बिहारी की, ये भी एक कारण है कृष्ण क्यों आए, और एक कारण बताए बोले जिस समय भगवान श्री राम लक्ष्मण सीता बोले जिस समय में ये जनकपुरी में गए, जब जनकपुरी में गए समय पा करके श्री राम ने वशिष्ठ विश्वामित्र जी को बोले बोले गुरुदेव लक्ष्मण की इच्छा है ये थोड़ी सी ये जनकपुरी को दर्शन करना, गुरुदेव ने कहा दर्शन करना नहीं सबको दर्शन दे कर दिया, सबको दर्शन दे कर कि जो बच्चे पीछे खेल रहे हैं ये किसकी बच्चे हैं, अपना अपना बच्चों को पास में रखा करो, बच्चों को खेलने मत दिया करो, अपना अपना बच्चों को पास में रखो, किसकी बच्चे हैं सबके सब पीछे कोई व्यक्ति है नहीं देखने के लिए, भैया एक भैया को नियुक्त करो जो पीछे ये बच्चों को खेलने नहीं दे, बच्चों को देखना तो इसको खेलने मत दिया करो, ये बच्ची की जो माँ है उसको बोलो बच्ची को गोद में रखे। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोले थोड़ी सी जनकपुरी दर्शन करने की इच्छा, विश्वामित्र जी ने बोला जनकपुरी दर्शन करना नहीं ये जनकपुरी को दर्शन दे कर दिया। अभी राम लक्ष्मण जब जनकपुरी में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही जो एक बार श्री राम लक्ष्मण को दर्शन कर ले, एक बार दर्शन कर ले वो पूरा के पूरा हल्ला मचा देता था, बोले क्या सुंदर तो बालक आए हैं, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीतांबर एक नीलांबर जैसे दो मधवाल हाथी जैसे, कहते क्या चाल साल हल बेली है गजराज चले मस्त मस्त बड़े सुंदर है। अभी पूरा जनकपुरी उमड़ पड़ी प्रभु राम लक्ष्मण को दर्शन करने के लिए, अभी जो झरोख से दर्शन कर रही थी वो तो ठीक ठीक से दर्शन कर रही थी, लेकिन जो छत के ऊपर में खड़ी हुई थी ना उनको ठीक से दर्शन नहीं हो रहा था, क्यों भगवान राम का एक स्वभाव था
वो कभी भी सर उठा करके किसी पराई स्त्रियों को नहीं देखते थे, लेकिन प्रभु राम का सर नीचा करके चल रहे थे। इतने में जो सखियां ऊपर थी वो दर्शन नहीं हो रहा था, इतने में उन लोगों ने थोड़ा खांसे, बोले हो सकता है प्रभु थोड़ा ऊपर सर करेंगे, लेकिन प्रभु तो देखने वाले नहीं है। लेकिन पीछे पीछे चल रहे थे लक्ष्मण जी। लक्ष्मण कौन है? बोले ये लक्ष्मण ये जीवाचार्य है, ये गुरु है। बोले गुरु का काम चुपचाप बैठे होता है, इसलिए गुरु का काम होता है ये जीवात्मा को परमात्मा को साथ में मिलाना, ये गुरु जी का काम है। इतने में श्री लक्ष्मण जी प्रभु राम को प्रार्थना किए, बोले प्रभु देखो तुम्हारी कुछ सखी है जो ऊपर में खड़ी हुई है, आपको दर्शन करना चाह रहे हैं। भगवान राम बोले लक्ष्मण ये मायापुरी है, खबरदार इधर उधर देखना नहीं, सर को नीचा करते हुए चलो। लेकिन फिर जब थोड़ी दूर गए ना, जब फिर थोड़ी दूर गए, फिर जो ऊपर सखियां खड़ी हुई थी, फिर दो बार खांसे हैं, जो खांसे इतने में प्रभु तभी राम देखे नहीं। लक्ष्मण फिर बोले बोले प्रभु एक बार दर्शन दो ना, अभी देखो यहाँ पर बताए हम जीवन में हमें क्यों सद्गुरु ग्रहण क्यों करनी चाहिए, कारण क्या है? बोले कारण है क्या, अगर हम डायरेक्ट भगवान को प्रार्थना करते हैं ठाकुर जी हमारी प्रार्थना नहीं सुनते, लेकिन जब किसी गुरु की माध्यम से जब हम ठाकुर जी को प्रार्थना करें फिर ठाकुर जी तभी सुनते हैं, नहीं तो नहीं सुनते हैं ठाकुर जी। इसलिए नियम है जीवन में किसी सदगुरु को आश्रय ग्रहण करते हुए भक्ति करनी चाहिए। जब लक्ष्मण बारंबार बताए, इतने में लक्ष्मण को बात तो सुनना ही पड़ेगा क्योंकि ये जीवाचार्य गुरु जी है। तब भगवान राम ने थोड़ा ऊपर में देखा, ऊपर दर्शन करते ही प्रभु राम इतने सुंदर थे देखने में, एक बार दर्शन किया तो सबके सब वही बेहस हो, जब इनकी होश आई ना सबके सब राम के पीछे पड़ गए, बोले प्रभु हमसे ब्याह कर लो, हमसे शादी कर लो। भगवान राम बोले लक्ष्मण मैं पहले मना कर रहा था, देखना नहीं, तू मानी नहीं ना, अभी तू ही शादी कर ले। इतने में भगवान राम बोले देखो ये रामावतार में सीता के सिवाय मैं किसको स्वीकार नहीं कर सकता, सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आओ तभी मैं स्वीकार करूंगा, ये सबके सब द्वापर युग में गोपी बन करके आए, ये भी एक कारण है। और एक कारण बताए, आप लोग रामायण देखे हो? कौन कौन रामायण देखे हो? सब देखे होंगे, टीवी में आया था ना, लॉकडाउन में आया था, इसलिए सब रामायण देखे होंगे। बोले एक गोपिनी वो गई थी अपना बिहार, जब बिहार से वापस आ रही थी बीच में एक नदी बढ़ती है, वो जो नदी पर पहुंची हो गई थी शाम, रिमझिम रिमझिम बारिश हो रही थी, केवट ने मना कर दिया अकेले स्त्री को, ये शाम हो गई मैं पार नहीं करा सकते, अभी मजबूरी में उसको एक रात केवट घर पर रुकना पड़ी। जब दूसरे दिन आई पति ने पूछा पिछली रात तुमने कहाँ थी? बोले ऐसे ऐसे बात है, बोले मैं राम नहीं हूँ, मैं राम नहीं हूँ, रावण सीता को उठा करके लंका ले गया और एक साल तक रखा, और जब वापस आई प्रभु राम ने क्या किया? अरे बराबर सिंहासन में बैठा दिया, हैं? इसलिए मैं राम नहीं, जहां पर तुमने पिछली रात बिताया वहीं पर जिंदगी बिता। लेकिन उसको पता नहीं रावण ने, ये चीज को समझो, रावण ने सीता को उठाकर लिया नहीं, किसको लेकर गया था? माया सीता, छाया सीता, वो सीता थी नहीं, वो नकली सीता थी, क्योंकि जो सीता है वो जगदम्बा जगत जननी ये माँ लक्ष्मी स्वयं है। कहते रावण सीता को दर्शन किया, उसको स्पर्श किया करेगा, रावण तो सीता को देखा भी नहीं, क्यों? शास्त्र कहता है वो जो अप्राकृत जो वस्तु है वो प्राकृत दृष्टि से, जड़ दृष्टि से हम अप्राकृत दिव्य वस्तु का भी दर्शन नहीं कर सकते, लेकिन इसको ये बात बताई वो नकली सीता थी असली नहीं, इसलिए उसने क्या की। इतने में भगवान राम ऊपर में आप देखे होंगे पूरा अयोध्या, प्रभु राम की घर घर में ये चर्चा हो रही थी,
जिसको सुन करके भगवान राम ने सीता जी को क्या किया, उन्होंने सीता जी को, सीता जी को उन्होंने वनवास दे दिया। लेकिन जब वनवास दे दिया, लेकिन हर साल में एक एक ये यज्ञ करते थे, अश्वमेध यज्ञ। वशिष्ठ जी ने कहा देखो बगैर पत्नी के तुम यज्ञ कर नहीं सकते हो। बोले पत्नी को तो सीता को मैंने त्याग दे दी। बोले तेरे पिता भी तो तीन दिन शादी किया था, कौशल्या कैकेयी सुमित्रा, तो और एक लड़की को शादी कर लो ना। लेकिन भगवान राम ने क्या बताए, रघु कुल रीति सदा चलिया ही, प्राण जाए भरो वचन न जाए। ये राम सीता के सिवाय और किसी को ग्रहण नहीं कर सकता है। देखो भगवान राम पहले आए, उसको बाद में कृष्ण आए। अरे क्यों भगवान राम क्यों बाद में कृष्ण क्यों आए? इसलिए यहाँ पर भगवान राम जो शिक्षा दिया है ना, ये मर्यादा शिक्षा दिया है। जिनको घर गृहस्थी में संसार में रहना है, ये राम लीला को तुम्हें फॉलो करना पड़ेगा। घर में अगर रामायण हो, घर में अगर रामायण पढ़े तो भगवान जिस राज्य में रहते थे राज्य का नाम अयोध्या। जिस घर में रामायण पढ़ाए हो ना, वो घर नहीं, वो घर अयोध्या बन जाएगा। राम जैसे बेटा हो, सीता जैसे बहू हो, और लवकुश जैसे पोते हो, और घर में रामायण हो, कहते वही अयोध्या, वही अयोध्या भूमि, वही अयोध्या। इसलिए अगर हम चाहते हैं घर में युद्ध नहीं होना, भैया रामायण फॉलो करो, तुम्हारे घर में कभी युद्ध नहीं होगा, कभी युद्ध नहीं होगी तुम्हारे घर में। क्योंकि भाई भाई में कैसे प्रेम होनी चाहिए, पिताजी के बच्चे का प्रति, बच्चे का पिताजी के प्रति, अपना प्रजा के प्रति, राम का जो आदर्श है, आदर्श अद्भुत आदर्श है। भगवान राम ने ये सब चीज सिखा दी। बोले ये और कोई उपाय बताओ। बोले दूसरे उपाय है, आप सोने की सीता बना करके अपना बाम पास में बैठाओ, यज्ञ कर सकते हो। जब सोने की सीता बनती थी, वशिष्ठ जी प्राण संचार करते थे, प्राण स्थापित करते थे। वो जो सीता है ना, वो साक्षात सोने की जो मूर्ति, वो साक्षात बन जाती। भगवान 11,000 साल तक राजत्व किए, हर साल साल में एक एक नया सीता बनी। अब बताओ इतनी सीता गई कहाँ? ये सब के सब कृष्ण अवतार में हमारे कन्हैया ने, बांके बिहारी ने सबको अपना सखी रूप में ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। इसलिए कृष्ण बड़े दयालु है ठाकुर जी। इसलिए भैया भक्ति करना तो बांके बिहार को भक्ति करो, क्योंकि तुम किसी ना किसी रूप में तुम अगर कृष्ण को पास में आओगे तो कृष्ण तुम्हें स्वीकार कर ही लेगा। ठाकुर जी, ठाकुर जी किसको छोड़े नहीं, सबको ठाकुर जी स्वीकार कर ली। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए इस सब के सब ये कारण बता रहे भगवान क्यों कृष्ण अवतार में ठाकुर जी जगत में क्यों आए। इसलिए कल हम लोगों ने जो कथा सुनी थी, कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में ठाकुर जी कैसे प्रकट हुए, आज जो कथा सुनेंगे कृष्ण कैसे गोकुल में नंद के लाला बन करके कृष्ण कैसे आए, आज हम ये कथा सुनेंगे। अब ध्यान देकर सुनो। यदि श्री नंद बाबा जी के जो पिताजी थे, उनका नाम था परजन बाबा। यदि परजन बाबा के 5 संतान थे। कितने बच्चे थे? 5। बात मत करो, सामने बैठे सुनो। इसलिए इनके 5 संतान थे। लेकिन पहले ये नियम होता था, 4 आश्रम है। पहले 25 साल तक ब्रह्मचर्य पालन, उसको बाद में 50 साल तक घर गृहस्थी, फिर उसको बाद में कहते ये वानप्रस्थ है। इसलिए देखो जो 50 साल को बाद में अंका आती है ना, देखो 51, 52, 54, ये वन वन शब्द आता है। मतलब क्या है, भागवत कहता है 50 साल के बाद में घर गृहस्थी में नहीं रहनी चाहिए, मना कर दिया। इसलिए तो एक काम बन बन जाओ, वृंदावन जाओ, भजन करो, पाप बन वृंदावन जाओ। अगर बन में नहीं जाओगे ना, घर में बहू आएगी, पर चाबी काठी को लेकर लड़ाई होगी, घर में अशांति होगी, फिर हम क्या बोलेंगे? देखो संसार में, संसार में कोई हमारी इज्जत है? बोलते ना घर में सब कुछ कहेंगे, संसार में हमारा कोई इज्जत नहीं। संसार में भैया इज्जत जाने से पहले वृंदावन चले जाओ ना,
जो कुछ कुछ जो पैसा है उसको संचय करो, पैसा को है, पैसा को संचय करो करो। बस 50 साल हो गया, बच्चे की शादी हो गई, बहू आ गई, अपना घर गृहस्थी तो संभालो। हम वृंदावन चलते हैं, हम वहीं पर बैठ करके सत्संग सुनेंगे। जीवन का जो बच्चा कुचा हुआ समय है इसको कम से कम हम भगवान की भजन में लगाए। आप लोग रामायण देखे होंगे, जब दशरथ महाराज ने एक दिन शीशा में अपना सूरत को देख रहे थे, देखा एक बाल पक गया है। एक बाल पक गया मतलब है, बोले घर में नहीं रहनी चाहिए। बाल पक गया मतलब ऊपर से बेल पड़ गया, समय हो गया जाने का, समय हो गया है, इसलिए जाने का समय हो गया, बेल पड़ गया चलो। इसलिए क्या किया उन्होंने, भगवान राम को बुलाया, बोले अभी तुम राज सिंहासन को तुम संभालो, हम पति पत्नी पान प्रस्तव जा रहे हैं, अगर हम भगवान की भक्ति करने के लिए हम दोनों चले जाने चाहिए। कहते अगर भाई तुम नहीं जाओगे ना, कहते क्या होता है फिर, पाप पर फिर 68, 60, 61 मतलब क्या, फिर तुम सठिया बने जाओगे फिर है, फिर तुमसे कुछ होने वाले नहीं। जब बांस कच्चा होना जिधर टेढ़ा करो उधर टेढ़ा हो जाती है, लेकिन जब पकी जाती है ना वो टूटेगा लेकिन टेढ़ा नहीं होगा। इसलिए प्रहलाद महाराज कहते हैं बच्चों को भक्ति बचपन से 5 साल उम्र से करनी चाहिए। कितने उम्र से करनी चाहिए, जोर से बोलो, कर रहे हो कि नहीं, नदी के बाद टीवी स्मार्टफोन चला रहे हो है। इसलिए 5 साल से भगवान की भक्ति करनी चाहिए। बोले भैया 5 साल से क्यों कर, ध्यान देकर सुनो, अच्छे तरह से चीज को समझ लो, कल मैं सबको पूछूंगा ये 5 साल से भक्ति क्यों करनी चाहिए। ये प्रहलाद महाराज ये बच्चों को ये शिक्षा देते हैं। बोले कौमार आचरते प्राज्ञम धर्मान भागवत अनिभव दुर्लभम मनुष्य जन्मम तदपि अधुर्वम अर्थतः। देखो कहते 5 साल से जो बुद्धिमान व्यक्ति होंगे वो प्रभु की भक्ति करना शुरू कर देंगे। तो बच्चों ने कहा भैया 5 साल से क्यों, प्रहलाद महाराज बच्चों को ये ज्ञान दे रहे हैं। बोले अभी तो हम बच्चे हैं, अभी तो पढ़ाई लिखाई करेंगे, उसको बाद में नौकरी चाकरी करेंगे, उसको बाद में फिर शादी शुदा होगी, उसको बाद में बच्चे होंगे। अरे बच्चों को शादी शुदा करा के जब सारे काम निपट जाएगा ना फिर तो भक्ति करेंगे। प्रहलाद कहते तू खुद निपट जाओगे लेकिन काम कभी नहीं निपटेगा। अभी तक किसको काम निपटा है बताओ, किसका काम निपट गया, दल 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 में फंसते जा रहे हैं है? ये काम कभी किसकी निपटा नहीं है। तब उन्होंने कुछ उदाहरण देकर समझाए हमें बचपन से क्यों भक्ति करनी चाहिए। पहला उदाहरण दिया, बच्चों लोग ध्यान देकर सुने, पहला उदाहरण दिया जब मिट्टी कच्चा मिट्टी होना वो मिट्टी से जो बनाना चाहो वो बन जाएगी, लेकिन मिट्टी जब पक जाती है फिर कुछ बनेगी नहीं। इसलिए बचपन में हम जो कुछ पढ़ाई लिखाई के बुढ़ापे में करते ना, बचपन से बूढ़ों को बोलो, बूढ़ा बूढ़ियों को कोई चीज को याद कर, याद हगी नहीं होगी, लेकिन बच्चों के एक बार सुना झट याद करते थे कि वो बच्चे हैं। दूसरा कारण बताए जैसे कोरा कागज है, कोरे कागज के ऊपर में जब एक बार लिखोगे ना देखना बहुत स्पष्ट दिखेगा, लेकिन एक बार लिख करके उसके ऊपर दो बार लिखने के लिए जाओ दो नहीं जाएंगे। इसलिए मतलब हृदय जो कोरा हृदय हो, कोरे हृदय में जो कुछ करना चाहो उसमें छाप पड़ जाती है, लेकिन जब घर गृहस्थ पूरा करके बोले भजन करोगे, भैया खुद देख लो अपना जीवन में 10 मिनट बैठो बोले ठाकुर की याद करेंगे, देखना 1 मिनट भी मन नहीं लगेगा, 10 मिनट बैठोगे 1 मिनट नहीं लगेगी। क्यों, रील में जो भरा होगा वही तो निकलेगा ना, जिंदगी भर रील में तो कीचड़ को भर दिया वो भगवान कहाँ से आएंगे। बचपन से तो भक्ति किया ही नहीं, जिंदगी में जो क्या वही तो निकलेगा तुमको हृदय में। तीसरा कारण बताए कहते जैसे एक छोटा पौधा एक जगह से उखाड़ करके दूसरे जगह लगा तो जम जाएगी, लेकिन जब कोई पौधा बड़ा हो जाए ना जड़ ज्यादा नीचे चली जाए उसको उखाड़ करके लगा भजने में नहीं लग, जमेगी नहीं वो, जमेगी नहीं, क्यों नहीं जमेगी, वो ऑलरेडी गहरा में चला गया
हैं, इसका मतलब क्या है? जो पूरा दुनियादारी करके सारा दुनिया नाती पोती बहुत सारा दुनिया करके भजन करने जाएंगे ना, वहां बार-बार फोन आएगा, तुम कैसे हो बेटा, कैसे है पोता, कैसे है जिंदगी भर बस भजन के लिए वृंदावन में दिन भर फोन पे लगे हुए, शरीर चला गया लेकिन मन कहां पर पड़ा हुआ, घर में पड़ा हुआ है, इतने आसान भजन नहीं। चौथा कारण बताए हैं, चौथा कारण उदाहरण दिया, जब कोई एक फूल खिला हुआ फूल होगा ना, उसको तो ठाकुर के चरण में चढ़ा सकते हो, लेकिन फूल जब मुरझा जाए सूख जाए फिर ठाकुर के चरण में लगेगी नहीं लगेगी, क्यों? फूल ऑलरेडी सूख ही गया है। इसका मतलब जो जीवन एकदम ताजी जीवन हो, खिले हुए जीवन हो, उसको हम ठाकुर को भजन में लगा सकते हैं, हैं? इसलिए प्रह्लाद ने बड़े सुंदर सुंदर उनकी उदाहरण देकर समझाया बच्चों, भक्ति बचपन से होता है। देखो भागवत पढ़ लो, ध्रुव महाराज कितने उम्र में भजन किए, 5 साल, प्रह्लाद कितने उम्र में भजन किए, 5 साल, मीरा ने कितने उम्र से भजन की, वो भी 5 साल से। कोई जा रहा था बरात, मीरा ने मैया से पूछे, बोले मैया ये क्या जा रहे, बोले दुल्हा, बोले मैया मेरी दुल्हा कहाँ है, तब उसकी मैया ने बोले गोपाल था ना, बोले ये तेरी दुल्हा, बस मान लिया कृष्ण ही मेरी दुल्हा, तब से कृष्ण से उसको प्रेम लगे। तुलसीदास जी कितने साल से भजन किए, हनुमान जी कितने साल से, देखोगे कोई भी बूढ़े होकर भजन नहीं किए, कोई भी बूढ़े होकर भजन नहीं किए। प्रह्लाद महाराज मना कर देते हैं, बुढ़ापा में भजन नहीं होता है, इसलिए भजन करनी चाहिए 5 साल उम्र से ही, भक्ति करनी चाहिए, समझ रहे हो? हमारे देखो ये बच्चों को देखो कितने साल उम्र का है, कोई बूढ़े बन करके आए से बच्चे, ये बूढ़ों बुढ़िया से कुछ होने वाले नहीं है, इनसे कुछ होने वाले नहीं है, पक्के सुखे सब हैं, सब सठिया हो गए, इसलिए इनसे होना बड़ा कठिन है, जो होगा बच्चे से ही होगा, जो होगा बच्चों से ही भक्ति होगी। बलसी वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं भैया इनका भी कल्याण हो सकता है, जब बूढ़े हो जाए ना, कहते 69, 70, 71 इनका भी कल्याण हो सकता है। बोले कैसे, गोस्वामी जी कहते हैं, बोले 60 सो धरे 7 सा गत पाई, कहते हैं भैया 60 का भी कल्याण हो सकता है, अगर किसी भाग्य से साधु संत अगर मिल जाए तो, अगर जीवन में साधु संत करे इनका भी धीरे-धीरे इनका भी उद्धार होगा, लेकिन साधु संत करना पड़ेगा। इसलिए अभी श्री जो परिजन बाबा जब देखे बच्चों का शादी हो गई, जब शादी हो गई तो बच्चों को बुलाए, बोले देखो बच्चों तुम लोग शादी शुदा हो गए, काम काम ठीक ठाक हो, हम तो दोनों पति पत्नी हम चाहते हैं वृंदावन में भजन करने की चाहे। बड़ा बेटा को राज सिंहासन में अभिषेक करूंगा, लेकिन बड़ा बेटा ने कहा पिताजी यद्यपि मैं बड़ा बेटा हूँ लेकिन राजा बनने का योग्यता मेरे में नहीं, ये मझला बेटा नंद नहीं। सब लोग राजी हो गए, नंद बाबा को सिंहासन में बैठाए, जब वो जा रहे थे बोले पिताजी हमारे कुछ प्रश्न को उत्तर दो, बताओ बच्चों क्या प्रश्न है, देखो क्या प्रश्न करते हैं, बोले पिताजी ये बताओ भगवान हमें ये जो मानव शरीर क्यों दिया है, ये मानव जन्म का लक्ष्य क्या है। देखो ये प्रश्न कितने सुंदर प्रश्न, कभी हमने ये प्रश्न कभी किया है,
हम यही सोचते हैं जीवन का लक्ष्य यही है, लिखाई पढ़ाई कर लो, नौकरी कर लिया, एक शादी कर ली, दो तीन बच्चे हो गए, बस इनको पालना करके मर जाओ। मतलब इसके सिवाय और कुछ क्या करते हैं, इसके सिवाय कुछ कर रहे हैं? लेकिन इनकी प्रश्न है, भगवान जो मानव शरीर क्यों दिए? परिजन बाबा उत्तर देते हैं, बेटा ये मानव जीवन की एक लक्ष्य है भगवत प्राप्ति। अगर किसने ये जीवन पाकर में भगवत प्राप्त कर ली, भगवत प्रेम को अगर किसने प्राप्त कर लिया, तो बेटा समझना उसका जीवन धन्य हो गया है। बोले पिताजी हमें जीवन में कौन रक्षा करेगा? लेकिन हम क्या सोचते हैं, अगर हमारे बैंक बैलेंस होगा ना, बस अंतिम समय में बैंक बैलेंस ही हमें रक्षा करेगा। लेकिन इसे परिजन बाबा कहते हैं जीवन में रक्षा करने वाले संत है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक ना हुई और राम कृपा बिनु सुलभ नाश हुई। जब हम जीवन में सत्संग करते रहेंगे तभी जीवन की जो नैया ना सही दिशा पर चलेगी, नहीं तो शराब पिएंगे, मांस खाएंगे, जुआ खेलेंगे, उल्टा पुल्टा काम करके जीवन को बर्बाद कर देंगे। बोले बच्चों जीवन में रक्षा करने वाले संतो है। बोले पिताजी संसार में हम डरे हुए क्यों हैं? सबके सब डरे हुए कि नहीं? सबके सब संसार में डरे हुए, बेटा नहीं चले जाए, पैसा नहीं चले जाए, बीवी नहीं चले जाए, पति कहीं नहीं चले जाए, हमारे काम धंधा बंद नहीं हो जाए, देखो सबके सब डरे पड़े हुए हैं, डरे हुए सबके सब दुनिया। बोले ये डरने का क्या कारण है? बोले बच्चा ये डरने का कारण ये प्रारब्ध था, हमने पूर्व पूर्व जन्म में जो कर्म करके आए हैं वो कर्म को हम इस जीवन में भोग करते हैं, इसलिए प्रारब्ध ही हमारी डरने का कारण है। अगर पूर्व जन्म अगर हम अच्छा काम करके आए, फिर तो कोई चीज नहीं, फिर जीवन अच्छा ही अच्छा चलेगा, हैं जीवन फिर बढ़िया चलेगा। हमने बच्चों को बड़ी सुंदर सुंदर ज्ञान की बात बताए, दोनों पति पत्नी चले गए, जब चले गए अभी चार भाइयों का तो बच्चे हैं, लेकिन इसलिए नंद बाबा का घर में कोई संतान है, वो बड़े दुखी है, भविष्य में राज सिंहासन को कौन संभालेगा? उन्होंने बहुत बार व्रत तपस्या उन्होंने बहुत कुछ किए, लेकिन घर में बच्चा किसी तरह से नहीं हो रहा है। जब बच्चा नहीं हो रहा है, एक बार एक एकादशी आई जिसका नाम था पुत्रदा एकादशी। कौन सा एकादशी? देखो जो एकादशी को सुन लो, एकादशी कथा बाद में भी सुनाऊंगा। एकादशी व्रत को बताया, जानते हो ये कौन सा व्रत है? बोले ये कल्पतरु व्रत। कल्पतरु व्रत मतलब होता है एकादशी व्रत करके आप जो मांगो जीवन में सो लेना। कभी एकादशी व्रत को पढ़ करके देख लेना, 15 दिन में एक एकादशी आती है। एक एकादशी का नाम पुत्र का मतलब क्या, जिनके घर में पुत्र संतान नहीं हो रही वो एकादशी व्रत पर पुत्र होगा। कृष्ण तभी जन्मोगे जब नंदा पुत्र एकादशी। एक एकादशी का नाम इंदिरा, इंदिरा मतलब लक्ष्मी, जिनके घर में लक्ष्मी की पैसा की कमी है वो एकादशी पर घर में लक्ष्मी आई। एक एकादशी का नाम अर्णता, जिसको करने से घर में अर्ण सस्य आता है। एक एकादशी का नाम भक्षता, जिसको करने से संसार से मुक्ति मिलेगी। एक एकादशी का नाम पाप मोचनी, जिसको करने से जीवन का सारे पाप तुम्हारी खत्म हो जाएगा। इसलिए आप लोग देख लेना, अगर कोई व्यक्ति साल साल तक बिस्तर में पड़े हुए, किसी तरह से मृत्यु नहीं हो रही, बड़े कष्ट पा रहा है, आप किसी पंडित को बुलाओ इनकी सदगति कैसे होगी, आप देख लेना वो पंडित क्या कहते हैं। वो और कोई बाहर व्रत का नाम नहीं बताएगा, बोलेंगे कोई एकादशी व्रत करके इसका फल दे सकता, एक ही व्रत का नाम लेगा। बोले एकादशी व्रत की कितने महिमा, बड़े से बड़े पाप एकादशी व्रत से नष्ट हो जाता है, इतने महिमा एकादशी व्रत की। बोले एक समय इसकी कथा सुना, बोले एक समय स्वर्ग में दो अप्सरा अप्सरी, जहाँ पर इंद्र चंद्र बड़े बड़े देवता लोग बैठे हुए थे, वहां पर नृत्य नृत्य दिखा रहे थे। लेकिन जो अप्सरी थी पत्नी देखने में बहुत ही सुंदर थी, और जो अप्सरा उसके ऊपर बड़ा आसक्त था, लेकिन जब वो नृत्य नृत्य दिखा रहे थे ना, वो बारम्बार अपना बीवी की तरफ में देखते जाए और देखने के लिए कहते इधर ताल खराब हो जाता है। इंद्र को तो बड़ा क्रोध आया, बोले तुम यहाँ पर नृत्य नृत्य दिखाने के लिए आए हो और अपना बीवी को देखते रहते हो और यहाँ पर गड़बड़ा कर रहे हो,
जाओ उन दोनों पति पत्नी को मैं अभिशाप देता हूँ, मध्य जगत में पिशाच बन कर जाओ, पिशाच से आप तो प्रेत बन कर जी, अभी अभिशाप से दोनों प्रेत जन्म में आए, और ये जब तक इसके ऊपर में सवार होकर के ये भूत को नहीं पिएगा तब तक उनको प्यास नहीं बुझती है। बड़े जीवन में बड़े दुख कष्ट भोग किया, जब दुख कष्ट भोग किया एक दिन दोनों सोच रहे हैं क्या जिंदगी भर हम ऐसे पिशाच जन्म में रहेंगे, क्या इससे कोई मुक्ति नहीं मिलेगी। एक दिन हठात उन्होंने सुना है कि एक एकादशी का नाम पाप मोचन, जिसको कहने से जीव पाप से मुक्त हो जाते हैं। चलो हम ये एकादशी व्रत को रखते हैं। पहले जो एकादशी व्रत रखते थे नियम है एकादशी व्रत से एक दिन पहले रात को भोजन मत कर, दिन भर पूरा व्रत कर रखो, दूसरे दिन टाइम से व्रत को खोलनी चाहिए। लेकिन अभी तो हम लोग ऐसे नहीं करते हैं, एकादशी का दिन भी फल फूल खा लेते हैं, आलू की सब्जी कुटी को पकौड़ा बना कर भी खा लेते हैं, खीर खा लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पहले लोग ऐसे एकादशी व्रत रखते थे, लेकिन ये जब तक दूसरों को खून नहीं चूसते थे रह नहीं पाते थे, चटपट चटपट करने लग जाते थे, बोले हम कैसे रहेंगे, बोले किसी तरह से कष्ट करके ये व्रत पाप करते हैं। लेकिन जब उन्होंने बड़ी कष्ट करके ये व्रत को किया ना, दूसरे दिन जब व्रत को उन्होंने खोला, टाइम से व्रत को खोले, दोनों सारे पाप से मुक्त हो गए और बड़े सुंदर रूप धारण करते हुए फिर स्वर्ग में गए। जब स्वर्ग में गए इंद्र देव करके आश्चर्य में पड़ गए, बोले इधर आओ, बोले मैंने तुमको अभिशाप दिया था, तुमने ऐसे कौन सा कर्म की जो कि ये पिशाच जन्म से मुक्ति हुई। बोले हमने दोनों ने ये पाप मोचन एकादशी का व्रत करके हमारे सारे पाप से हमारी मुक्ति हो गई। इसलिए आप पढ़ करके देखना कि रुक्मिणी सत्यभामा क्यों कृष्ण को प्राप्त किए, वो पूर्व जन्म में एकादशी व्रत रखते थे। लेकिन कुछ कुछ लोगों का कुछ गलत धारणा, बोले क्या धारणा, बोले ये एकादशी व्रत तो विधवा करती है, सधवा थोड़ी करती है। नहीं, आप देखना जो सबसे जो बड़ी एकादशी है, बताओ कौन सा एकादशी बड़ी एकादशी है, ये देखना ये निर्जला एकादशी पांडव निर्जल, जिस व्रत को पंच पांडव द्रौपदी को साथ में करते थे। क्या द्रौपदी विधवा थी? नहीं थी। जिसको भागवत में देखो, जिसको अंबरीश महाराज भी एकादशी व्रत किए, क्या उनकी पत्नी विधवा थी? जैसे नंद जसोदा क्या थे, पर जसोदा क्या विधवा थी? नहीं। शास्त्र में बताया अष्ट वर्षा दीक्षापुर त्या आशीति सिद्धि वत्सर, 8 साल से लेकर के 80 साल तक ये कंपल्सरी सबको एकादशी व्रत रखनी चाहिए। एकादशी दिन अर्घ में गौ हत्या, नर हत्या, ब्रह्म हत्या, भ्रूण हत्या, जितने सारे पाप एकादशी का दिन अर्घ को आश्रय करके रहते हैं। इसलिए जो व्यक्ति एकादशी के दिन अर्घ भोजन करता है कहते सारे पाप से तो मुक्ति मिल जाएगी, लेकिन एकादशी दिन अर्घ भोजन करने से जीव को मुक्ति नहीं मिलती। इसलिए आप लोग जरूर एकादशी व्रत को रखा करना। देखो नंद जसोदा ने जब एकादशी व्रत रखे ना, ब्रह्म मुहूर्त के बंद स्वप्न देखा, बड़े सुंदर स्वप्न देखा, बोले श्यामा चंचल चारु दीर्घ नयन बाल स्वांग स्थली पयोधार स्फुट मसौ क्रीडामय अवलोकते। अभी ब्रह्म मुहूर्त में जो स्वप्न करके सत्य होता है, दोनों को आंख खुल गई। नंदा बोले जसोदे जसोदे मैंने एक बड़ा सुंदर प्यारा स्वप्न देखा। जसोदा बोली मैंने भी एक सुंदर स्वप्न देखा, पहले आप बताओ क्या देखा। बोले मैंने देखा है जसोदे तुम्हारी गोद में बड़ा सुंदर श्याम सलोना सा एक बालक तुम्हारी स्तन पान कर रहे हैं और ये दोनों धार से दूध बहते हुए कुर्ता बिक रहा था। जसोदा बोली मेरी स्वप्न सुन लो। बोले बताओ। बोले मैंने भी देखा मेरे पीछे पीछे सुंदर एक बालक कपड़े खींच करके बोले भैया भैया मेरे को गोद में उठा दे, मेरे को दूध पिला दे। और उसी रात को ही जसोदा गर्भ धारण की, पूरा ब्रज में हला हो गया, भैया नंद के लाला होने वालों है। और जितने गोपियां है ना कल जैसे आप लोग 84 84 गज के लहिका सुंदरी पहन कर आई थी है, और सारे ब्रजवासी 6 महीना पहले प्रस्तुत हो गए, जितने ब्राह्मण बगल बदी धोती और टोपी बना करके रखे,
नंद के लाला होगा तो हम जाएंगे बधाई देने के लिए। देखो माता है, ध्यान देखो सुनो। एक होता है गर्भ संस्कार। गर्भ संस्कार का मतलब है जब पेट में बच्चा होना, उसी समय माँ जो कुछ करती है वो बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। अगर माँ बैठ कर कथा सुन, बच्चे भी पेट में थे ना, वो भी कथा सुनता है। माँ जैसे तुलसी परिक्रमा करती है, पेट का बच्चा वो भी तुलसी परिक्रमा करता है। माँ जैसे ठाकुर को प्रणाम करती वो भी प्रणाम करती है। माँ जो वो काम करती है वो बच्चे के ऊपर वही प्रभाव पड़ता है। लेकिन अगर उस समय माँ टीवी देखती है, जिसको ध्यान से देख रही है, हिली भी देख रही है, उसका प्रभाव भी उसी बच्चे के ऊपर पड़ता है। देखना कोई कोई बच्चा ऐसे होता है, सवेरे उठ करके पिता माता की चरण छूता है, पिता माता की आदेश पालना करता है। लेकिन देखना ऐसे कुछ उदंत बच्चे हैं, एकदम बच्चे पिता माता की बात नहीं सुनते हैं, एकदम कोई कोई ये तो कहते हैं लगता है पूर्व जन्म का शत्रु ही बेटा बन कर आ गया। बोले कारण क्या है? उसी समय माता जो कुछ करेगा उसको कहते गर्भ संस्कार। रामायण देखे होंगे, जब माता सीता गर्भ धारण की हुई थी, अयोध्या में बड़े बड़े संत लोग आए, वहां पर बड़े सत्संग हुई है। भगवान राम कह रहे हैं, बोले सीते अगर तुम इसी समय में तुम सत्संग सुनोगे, बच्चे बड़े ज्ञानी होंगे। लग कुछ देखे हो क्या ज्ञानी, राम की कथा राम को सुना रहे थे। सुना रहे थे कि नहीं राम की कथा? राम को सुना रहे थे। क्या बलवान बने, क्यों? गर्भ में रहते समय उन्होंने संतों की संगत की कथा की है। इसलिए अभी मैया जसोदा को सुंदर सुंदर कथा सुनाते हैं, ठाकुर जी को बड़ी सुंदर सुंदर ठाकुर की छवि दिखवाते हैं, जो देखता वही अंदर में। अभी मैया जसोदा की देखना, गर्भ में जब गर्भावती अवस्था हो, चटपट चीज खाने की इच्छा करती है। मैया बोली मेरे को तो खीर खाने की इच्छा करती है, तो बड़े सुंदर खीर ठाकुर जी को भोग लगा कर उन्होंने मैया को खिलाई। एक बड़ी बूढ़ी बोली, बोले मैया तुमने कुंवारी पट में जुड़वा केले तो नहीं खाई? बोले क्यों? बोले लगता है तुम्हारे पेट में दो बच्चे बने वाले। बोले क्या होगा? अभी बोले चिंता मत करो, राम जो करेगा अच्छो ही करेगा। एक बड़ी बूढ़ी गोपी बोली, बोले मैया मैया तेरे कोख में लाला होने वाला है। बोले बतो कैसे? चलो बोले तेरे जो होठ है ना पीला पीला दिख रहा है, इसका लक्षण बताए पेट में बेटा होने वाला है। अभी नंदा बाबा की एक बहन थी जिसका नाम नहीं सुना था, उसने तो 6 महीना पहले आके घर में जमकर बैठी है। क्यों? भाभी गर्भवती है, अगर बच्चा होगा तो मेरे को 9 लाख की हार मिलेगी। कितना लाख की हार मिलेगी? 9 लाख की हार मिलेगी। इसी चक्कर में आकर के ना वहाँ जमकर के वहाँ चक्कर में आकर बैठी है। देखो आज भी 9 लाख की हार मिलेगी, इसलिए वो जमकर के आकर के बैठी गई। घर का सारे काम काज वही कर रही थी। ऐसे लग रहा था आज रात को बच्चा का जन्म हो जाएगा। बोले देखो सबके सब 8 बजे तक गांव में जगे रहते हैं, उसको बाद में भोजन करके सब लोग सो जाते थे। बोले पता नहीं बच्चा का कब जन्म हो जाए। बोले 2-2 घंटा ट्यूब लगवा दो, 8 से 10, 10 से 12 तक। अभी 8 से 10 तक जिनको ट्यूब लगवाए उनको ढोलकी मजिरा दे दिया। बोले कीर्तन करते रहो, वो कीर्तन कर रहे थे। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय 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 राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जिनको 10 से 12 बजे ट्यूब लगवाया ना, पता नहीं कब वसुदेव महाराज आए और बेटे को रख करके बेटी को लेकर चले गए। इसको पता ही नहीं पड़ा। क्यों? जोग माया ने सबको निद्रा में सुला दी। कहाँ चिमटा गिरी, कहाँ ढोलकी गिरा, कहाँ मजीरा गिरा, किसको पता ही नहीं। अभी ये सबके सब सोए पड़े हुए, सवेरे सवेरे सुन्नता की आँख खुली। बोले भैया भाभी की क्या हालत है? और आकर के देखा बड़ा सुंदर एक बालक भैया जसोदा की गोद में किलकारी मारते हुए खेल रहा है।
बोले भैया लाला के कब जन्म हो गया किसको पता ही नहीं पड़ा, सबके सब सोए पड़े हुए। इतने में सुनक आने बहुत बड़ा उन्हें थाली लेकर के और चिमटा लेकर के ना बड़ी जोर जोर से बजा दी, बजा करके बोले भैया लाला का जन्म है गयो, लाला का जन्म है गयो, पूरा उन्हें हल्ला बचा दी। सबके सब जग गए, बोले भैया नंद बाबा कहाँ पर, क्योंकि छह महीना पहले से बैठी हुई नवला की हार की चक्कर में। बोले ढूंढते 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 ब्रह्मांड घाट में पहुंचे, देखा नंद बाबा तो माला सटका रहे थे, वो माला नहीं हो रहा था, सोच रहे थे घर में छोरा कब रही हो, लाला कब होगा, छोरा कब होगा, वही सोच रहे थे। इतने में सुनंद आकर के बोले भैया कमाल है गयो, ए सुनते ही नंद बाबा तो छलांग लगा दियो, बोले बहन ने कहा गयो है, बोले भैया तेरे को पता है छह महीना से बैठी, हाँ बोले नवला की हार के चक्कर में ना, बोले और क्या, बोले ले नवला की हार को ले ले, ले नवला की हार ले ले। बोले भैया और क्या मिले, बोले दे दिया। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी है, पता और क्या दोगे, बोले जमुना किराना में जितने जमीनी जगह थे तेरे नाम कर दे रहा हूँ। बोले और क्या दोगे, बोले दे तो दिया और क्या चाहिए। बोले भैया बात भी तो बहुत बड़ी, बोले कोई चिंता नहीं, ले ट्रेजरी का सारे चाबी का टू पकड़, जो इच्छा सो ले लेना, लेकिन बता तो सही घर में कहाँ गयो है। बोले भैया तेरे घर में लाला गयो है। जोर से ताली बजा। नंद बाबा तो वही सही दौड़ लगाई आकर के जब लाला की मुख दर्शन की, संकल्प किया सारे ब्राह्मण संतों को 20 लाख गैया सोने में सील को बढ़वा देंगे, खून पर चांदी को बढ़वा देंगे, दूध दही मक्खन लेकर के आ रही थी, और जितने सबके सब ब्रजवासी थे बगल बंदी धोती पगड़ी और बड़े सुंदर रूप में आ रही थी। जब गोपियां आ रही थी कान में कुंडल पहनी हुई थी, ये कुंडल जोर जोर से हिल रहा था। बोले क्यों, बोले तुम लोग को पहुंचने से पहले हमें छोड़ दो, हम जाकर के पहले लाला को हम बधाई देंगे, हम बधाई देंगे लाला को। और जो चोटी में बड़े सुंदर सुंदर फूलों की जो श्रृंगार करके रखी थी माता जी, वहीं पर देख रहे थे, इसलिए जो श्रृंगार करके रखी थी वहीं से क्या हो रही थी, एक एक फूल गिरते गिरते इनके चरणों के ऊपर में गिर रहा था। बोले क्यों गिर रहा था, बोले जो कृष्ण दर्शन के लिए जा रही है इनके चरण की हमें पूजा करनी चाहिए। और जितने सब गोपियां थी ना, अरे गोप थे, नंद जसोदा को बधाई दे रही थी। देखो मैं बोलूंगा भैया जसोदा बधाई हो, आप लोग जोर से बोलना बधाई हो, बधाई हो। बोले भैया जसोदा बधाई हो, भैया बोली बधाई हो, बधाई हो, तुम लोगों का आशीर्वाद से ये बुढ़ी उम्र में हमें ये लाला का मुख दर्शन करने को मिला है। लाला मेरो नहीं, लाला तुम को लाला है। सब जितने ब्रज गोपियां थी सबके सब हृदय से सबके सब आशीर्वाद दे रही थी। बोले जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया तेरा ललना, जुग जुग जी मेरी जसोदा मैया मैया कृतिका बाबा नहीं आई, मैया कृतिका नहीं आई, राधा जी की मैया।
और उनकी पिता श्री वृषभानंद महाराज, और देखते देखते दोनों वहां पर प्रवेश किया। जब प्रवेश किया उसी समय में ये उत्सव प्रारंभ हुई। आरंभ होने पर हल्दी में दही और घी दे करके सबको ऊपर में लगा रहे थे, जिसको दही गादी कहते हैं, और वो इतनी दही दही का कीच कीच हो गया, फिसल फिसल करके एक दूसरों के ऊपर गिर रहे थे और एक दूसरों को धक्का मार रहे थे, वो दूसरों को सब के सब फिसल फिसल गिर रहे थे और बोल रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया। बड़े बड़े मक्खन की डेले को डेले उठा उठा कर फेंक रहे थे। एक बड़ी बड़ी माता जी थी जिसकी एक भी दांत नहीं, 100 साल की डोगरी, वो ऐसे देख रहे थे, बोले भैया बड़े जोर की नंद महोत्सव है रवि। एक गोप ने उठाया एक मक्खन की टेला, उसको तो एक दांत थी नहीं, उसको मुंह को लक्षण करके मारे तो सीधा मुंह में लगा तो अंदर में सटक गया। बोले भैया नंद महोत्सव में कोई भूखे नहीं रहते हैं। और नंद बाबा का जो आंगन बहुत बड़ी आंगन थी जिसमें दूध दही से भरा हुआ था, जितने ब्रजवासी थे, बोले नंद बाबा आज तेरे घर में बच्चा लाला भयो है, देखो दुनिया नाच रहे तू भी तो नाच ले। पकड़ कर वो बीच में ले आए, जब ले आए पूरा दूध दही से भरा हुआ था, ऐसे लग रहा था मानो यहाँ खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। और श्री नंद बाबा कमर में एक कपड़े को बांध कर रखे थे, फेटे को एक तरफ में नंदगांव के वो दूसरे तरफ में बरसाना का कोप पकड़ कर रखे थे, ऐसे लग रहा था मानो ये खीर समुद्र मंथन होने जा रहा है। कल हम सुन रहे थे ना ये लवण समुद्र मंथन हो रहा था, जिससे सर्वप्रथम निकला हला हल बीस। क्या निकला? बीस। इसको पान किसने किया था? शंकर जी, इसलिए उन्होंने कंठे में धारण कर लिया, इसलिए उनका एक नाम हो गया नीलकंठ। बोले श्री नीलकंठ महादेव की जय। हाँ देखो शंकर जी यहाँ बहुत बड़ी शिक्षा दिया है। बोले भैया कोई गलती चीज हो ना हृदय में मत रखो और उसको मुंह में भी मत रखा करो। कहाँ पर रख लो? बोलो कहाँ पर रखो? जोर से बोलो कंठ में रखो। बोले कंठ में क्यों रखोगे? देखो ये चीज को समझ लो, अगर मुंह में रखोगे ना, हमारे गुरु जी कहते थे सब चीज में हड्डी है, अंगुल में हड्डी इसलिए सीधा हो जाता है, हाथ में हड्डी सीधा हो जाती है, कमर में हड्डी बैठे हैं, बताओ तो हड्डी कहाँ पर है? जोर से बोलो। अब देखना ये कथा में भी बैठ कर क्योंकि लपड़ लपड़ कर रही है, यहाँ भी चेत नहीं, यहाँ भी जुहा बंद नहीं हो रही, यहाँ भी जुहा चल रही है, इसलिए ये जुहा में हड्डी नहीं, इसलिए जितने झगड़ा का कारण देखना संसार में जीवा है। क्या है? जीवा है। सास बहू को कुछ बोलती, बहू सास को बोलती, बस बताओ ये महाभारत क्यों हुई थी? द्रौपदी केवल इतनी सी बोल दी थी अंधा का बेटा अंधा, इतनी सी कारण से ये महाभारत हुई है और कोई कारण नहीं। देख लेना हमारे संसार में भी महाभारत हो जाता है, बात कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, बस जीवा थोड़ा स्लीप हो गया, बस घर में महाभारत शुरू हो जाती है। भैया ये जीवा को नहीं चलानी चाहिए। कहते रामायण का भी यही कारण, सीता जी लक्ष्मण को इतना सी बात बोलती थी, जिस समय मारीच को पीछे प्रभु राम चले गए, इतने में प्रभु राम जो बाण मार मारीच को, मारीच क्या बोले? भैया भैया लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। सीता बोली लक्ष्मण सुन रहे हो, तेरे भैया के ऊपर कोई विपत्ति पड़ी। लक्ष्मण को पता है प्रभु राम के ऊपर कोई विपत्ति आ ही नहीं सकती। बोले नहीं प्रभु के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आ सकती है। सीता बोले तुम जाओ। बोले मैं नहीं जाऊंगी। लक्ष्मण बोले मैं नहीं जाऊंगा, भाई का आदेश है। इतने में सीता इतनी सी बात बोल दी, क्या बोल दी? मैं समझ गई हूँ तू साथ में क्यों आए, तुम ये सोच रहे हो राम मर जाएगा तो तुम मेरे से शादी करोगे, राम मरेगा तो शादी करोगे, मैं तेरे से शादी करने वाले नहीं। जो लक्ष्मण कभी भी सीता जी के मुख तक भी दर्शन नहीं किया, केवल उनके चरणों में दर्शन किया, मां मानती है, लेकिन अगर वो बोले तुम मेरे को शादी करने के लिए आए हो, बताओ कितना कष्ट होगा। लक्ष्मण ने क्या की? लक्ष्मण रेखा को काट दी। लक्ष्मण रेखा को काट कर बोले देखो माता जी कभी भी इसको
उल्लंघन नहीं करना। लेकिन सीता ने दो गलती की, वो हमें सिखा दी है। माता सीता का तो कोई गलती हो ही नहीं सकती। पहला सिखा उसने क्या दी, एक तो उन्होंने जीवा चलाई, दूसरी क्या कि लक्ष्मण ने जो लक्ष्मण रेखा को काट करके ही थे, मैया सीता ने उसको पार कर दी। पार कर गई एक दिन ही, फिर उसके बाद में क्या हुआ, रावण उठा करके ले गया। यहाँ पर शिक्षा देती है माता को, भैया कभी भी अपना मर्यादा रेखा को पार मत करो, नहीं तो रावण तुम्हें उठा करके ले जाएगा। आप बोलोगे रावण थोड़ी तो त्रेता युग में था, बोले पहले एक ही रावण था, अभी देखो घर घर में रावण, अभी गली गली में भी रावण घूम रहे हैं सबके सब। यहाँ शिक्षा देते हैं माताओं को, कभी भी अपना मर्यादा से बाहर नहीं जाओ, नहीं तो बड़े अनहोनी होने वाले। रावण ने तो तुमको उठा कर यहाँ से, रावण देकर लंका पहुंचा देगा तुमको घर, ठीक है ना। इसलिए सब शिक्षा, इसलिए शंकर जी क्या कर रहे हैं, अपना गले में उन्होंने गंदी चीज रख दिया, कहते मुंह में भी मत रखा करो, जीवा में रखो कहते लड़ाई झगड़े का कारण बनेगा, अगर हृदय में रखोगे तो तुम्हारी हृदय गंदी हो जाएगी। कहां पर रखो, कंठ में, गंदी चीज को कंठ में रखनी चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए कहते लवण समुद्र मंथन से सबसे पहले जहर निकला था और उससे 14 रत्न निकली। लेकिन यहाँ पर श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं रमा किरण अभूत निरुपम, हे परीक्षित महाराज, नंद बाबा इतने धन दौलत संपत्ति को दान किया, ब्राह्मण लोगों को तो गठली बांध बांध कर ले नहीं पा रहे थे, उसकी कोने से गिरते गिरते जा रहा था, ऐसे लग रहा था मानो कृष्ण गोकुल में जन्म लेने पर महालक्ष्मी गली गलियों में महालक्ष्मी नाच रही है। और वहां पर स्वयं शंकर भी आए थे, शंकर भी डर गए, बोले क्यों, उन्हें 9 लाख उन्होंने गैया 20 लाख गैया दान दिए, बोले भैया मेरा नंदी भी तो बाहर भी तो नंदी है, ऐसे नहीं दान देते तो मेरे नंदी को दान देते तो मैं बैठ कर किस में जाऊंगा। इतने में शंकर जी नंदी का पूछ पकड़ लिया। वहां पर माता पार्वती भी आई थी, उनकी भी 2 बेटे हैं, कौन कौन है बोलो जोर से, कार्तिक और गणेश। इतना हाथी घोड़ा पालकी जय कन्हैया लाल की। इसलिए वहां पर उन्होंने इतने हाथी घोड़े दान दे रहे थे, लेकिन गणेश जी को भी गजानन भैया पार्वती वो भी डर गई, बोले हो ना हो मेरे बेटे को दान में नहीं देते दे। उन्होंने ऊपर उठा कर गोद में चुपका कर खड़ी हुई थी। और वहां पर कुबेर भी आया था, स्वर्गों के सारे धन दौलत के मालिक, नंद बाबा इतने दान दिया जिसको देख करके इसका सर भी नीचा हो गया, बोले आज मेरे घर में इतने संपत्ति नहीं, नंद बाबा जितने दान दे रहे हैं, इसलिए सारा दुनिया नाच रहे थे, भैया से दान बड़े वाले नाच रहे थे गा रहे थे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, वैसे नंद के लाला की जय। कल यहाँ पर काफी था ना, कहाँ गया था, देख देख मेरा पता, अब बड़ी बधाई बढ़िया सुंदर बता, एक बार सब खड़े हो जाओ, आप लोग बड़े देर से बैठे हो, एक बार नाच लो बधाई। ब्रज में मेरे जय जय गाय मंसी भर लाला जायो बोलो है, लाला जायो Thank you.
सब नैनी Yeah.
श्रीमद भक्ति वेदांश नारायण गोस्वामी महाराज के चरणों में
कंधे प्रणाम करती हूँ और उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। समस्त गुरु परंपरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। यहाँ बैठे सभी वैष्णव भाई बहन सबके चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनके हेतु कृपा की प्रार्थना करती हूँ। हरे कृष्णा। मेरा आप सबसे एक प्रश्न है, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं कोई चाहता है कि किसी के जीवन में दुख आए, कष्ट आए, कलेश आए, है कोई? कोई भी नहीं होगा। सब लोग दिन रात यही प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में सुख आए, संपत्ति आए, हमारा परिवार खुश रहे, सब यही चाहते हैं ना? कोई है जो चाहता है दुख आए? कोई भी नहीं होगा। सब यही चाहते हैं कि हमारे जीवन में सुख संपत्ति आए और इसकी डेली की डेली प्रार्थना करते हैं। तो दुख होते क्या है? हमारे जीवन में सात प्रकार के दुख होते हैं, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जन्म किस प्रकार के दुख हो सकता है? जन्म, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो सब खुश होते हैं ना कि हमारे घर में दादा का जन्म हुआ है, लाली का जन्म हुआ है, तो किस प्रकार का दुख है? अगर आपको मैं किसी छोटे से ड्रम में बंद कर दूं जिसमें आप हिल नहीं सकते, बंद कर दूं और उसमें पानी, मल, मूत्र, खून, पेशाब सब डाल दूं और उसको उल्टा कर दूं, कोई रह पाएगा उसमें? 10 मिनट या 5 मिनट रह सकते उस ड्रम में, और उसमें हम सब लोग 9 महीने रह कर आए हैं और उसमें हम हाथ जोड़ के भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे यहाँ इस नर्क से निकालो, मैं बाहर निकल कर आपका या आपका भजन करूंगी या करूंगा, और यहाँ पर आके माया में लिप्त होके सब भूल जाते हैं, कोई नहीं करता, सब भूल जाते हैं, अब तो हम बाहर निकल गए, अब तो हम आजाद है, जरूरत क्या है भजन करने की, अब थोड़ा ना कोई दुखा रहा है। फिर मृत्यु, मृत्यु का सबको भय रहता है। अगर यहाँ पे कोई किसी को मैं बोल दूं ना कल आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप खुश हो गए, डर तो हो गए ना? क्यों, हमें क्यों डर रहता है मृत्यु का? क्योंकि जितने भी पूर्व जन्म हो चुके हैं सब में हमें मृत्यु का आभास है कि मृत्यु जब हमारी होती है तो कितना दर्द होता है। एक बार में 10,000 बिच्छू एक बार में डंक मारते हैं, किसी को बिच्छू ने काटा है यहाँ पर? करंट लगा है, करंट, एक बार जो करंट लगता है उसको 10,000 गुना मल्टीप्लाई कर दो, उतना दर्द होता है जब मौत होती है, जब आत्मा हमारे शरीर से बाहर निकलती है, इतना दर्द होता है। फिर जरा, जरा सबको आती है, बूढ़े सब होते हैं ना, ऐसा कोई है जो जिंदगी भर जवान रहे? कितने भी फेशियल करा लो, कितने ब्लीच करा लो, बूढ़ा सबको होना है। अभी नहीं होगे थोड़े साल बाद हो जाओगे, उतने नहीं होगे हॉस्पिटल और बाद हो जाओगे। व्याधि, किस किस को बीमारी नहीं होती? सबको बीमारी होती है, चाहे जवान हो चाहे बूढ़ा हो, सबको बीमारी होती है। मेरे को देख लू, मेरे को अभी सर्वाइकल है, सबको होते हैं बीमारी, चाहे जवान हो, अभी से छोटे छोटे बच्चों के चश्मे लग रहे हैं, बिना बिना बैग के, मतलब बिना उसके सपोर्ट के बैठ नहीं पाते बच्चे आलती पालती मार के, बीपी, शुगर, टेंशन सबको होती है। अभी जब कोरोना हुआ था कोई बचा था? सब मास्क लगा के घूम रहे थे, क्यों? क्योंकि डर था सबको कि आप मर जाएंगे, चाहे अंबानी का बेटा हो चाहे रिक्शे वाले का बेटा हो, मौत सबको आनी है, ऐसा कोई नहीं है जो बच जाएगा। या हम कितना भी कितना अमीर सा हो, डाइटिशियन रख लो, 2-3 साल और जी लोगे, पर मरोगे, सब सब मरेंगे, सबको डर रहता है ना कि हम मर जाएंगे। और आदि दैविक, आध्यात्मिक और आदि भौतिक, ये हमें राहुल प्रभु जी ने बताए थे इसी कथा में। मेरा आप सभी से अनुरोध है, अपना एक, अपने पास एक नोट पैड जरूर रखा करें, जब भी कोई ऐसे पॉइंट्स आते हैं जो हमें नहीं पता है तो उसे नोट कर लिया करें ताकि वो हमें बाद में याद रहे, ठीक है? और इस जो इतने सारे दुख हैं, इन सबसे बचने का कोई उपाय तो होगा? बिल्कुल है, इन सबका उपाय है हरि नाम, हरि नाम और सदगुरु का आश्रय। और सदगुरु कैसा होना चाहिए? गुरुवो भवः सन्ति शिष्य तापहार का, दुर्लभा सद्गुरुर देवी शिष्य संतापहार का। शिव जी पार्वती जी से कह रहे हैं, हे देवी इस संसार में शिष्यों का धन लूटने वाले बहुत लोग हैं। जब आप किसी बड़े, मतलब जो फेमस होता है ना गुरु, जब आप फेम हो सकते जाओगे ना,
तो आपको पहले फीस देनी पड़ती है उनसे मिलने के लिए, चार्ज देना पड़ता है, उसके बाद आपको मिलने देते हैं। यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, यहाँ पे आप जाओ गुरुजी से जो पूछना है पूछो, फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो चार्ज, कोई चार्ज नहीं लगेगा आपको। जो आपके मन में क्वेश्चन है आप जाके आराम से पूछ सकते हैं, कोई चार्ज नहीं लगेगा। पार्वती से कह रहे हैं, दुर्लभा सद्गुरु देवी शिष्य संतापहार का, ऐसा सद्गुरु दुर्लभ है जो जो शिष्यों के संतापों को नाश करता है। पैसा लूटने वाले तो बहुत गुरु हैं, जो आते हैं धन लेते हैं और चले जाते हैं, क्या थोड़ी बहुत सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं, जाते हैं बाबा बाबा मेरे बेटा ना साइंस पढ़ रहा पर उसके वो IIT नहीं कर पाया, वो क्रैक नहीं कर पा रहा, लो बेटा तावीज पहना देना आपका बेटा IIT क्रैक कर लेगा। ऐसे सिद्धि प्राप्त करने वाले सिद्धि उनको प्राप्त होती है, बहुत गुरु होते हैं, आपकी विशेष पूरी कर देंगे, पर यहाँ से आपको बाहर नहीं निकालेंगे, वो यहीं के यहीं मटेरियलिस्टिक दे देंगे सामान आपको, पर यहाँ से बाहर कोई नहीं निकालेगा। तो इस जगत की जो चीजें दे देते हैं हमारी आंखें चकाचौंध कर देते हैं, ऐसे लोग विश्वास ना करें, सदगुरु के पास जाइए। शिव जी कह रहे हैं पार्वती जी से, उसके बाद वो बता रहे हैं गुरुदेव गुरु कैसा होना चाहिए, तस्माद गुरु प्रपगेता जिज्ञासु श्रेय उत्तम शाते परे च निष्णातम ब्रह्मनियुक्षमाश्रयम्। ऐसा गुरु होना चाहिए जो शास्त्रों के ज्ञान से संपूर्ण हो, भगवान की अनुभूति से संपन्न हो और इस संसार से विरक्त हो, खुद तो वो लग्जीरियस लाइफ जी रहा है, आप लोगों को बता रहा है ऐसे रखो ऐसे रहो इस माया से दूर रहो, खुद तो लग्जीरियस लाइफ जी रहे हैं ना वो, या तो खुद भी उस चीज का पालन करें, ऐसे गुरु के पास जाओ जो उस चीज का पालन करें, ये नहीं आपको बता रहे हैं कुछ और खुद कर रहे हैं कुछ और, ऐसे गुरु के पास जाओ जो खुद भी वही करे और आपको भी वही बताए, जिसे ज्ञान हो, ये नहीं आज पढ़ के आपको बता दिया फिर कुछ और कर रहे हैं। हमारे श्रील परम गुरुदेव कहते थे अपने इस कुमन को मेरे को दे दो, मैं इसको सुमन बना के भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा। सुमन मतलब सुमन का एक पर्यायवाची होता है पुष्प, हम पुष्प भी चढ़ाते हैं भगवान को, कांटे तो नहीं चढ़ाते हैं। तो वो कहते थे अपना ये गंदा मन जिसमें कलेश है क्रोध है काम है वो ये सबको मेरे को दे दो, मैं इसे साफ करके भगवान के चरणों में चढ़ा दूंगा। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है हाथ जोड़कर अपने जिंदगी को सफल बनाएं और सदगुरु का आश्रय लें, ये नहीं खाया पिया सो गए, ये तो जानवर भी कर रहे हैं, हमें क्या डिफरेंस रह गया, वो भी तो अपने बच्चों का पेट भरता है ना, कहीं से भी लेके आए वो पेट तो भर रहा है ना, तो हम भी अपने बच्चों का पेट भर रहे हैं, नौकरी किसने कर रहे ताकि बच्चे खुश रहे, हम उनसे क्या अलग कर रहे हैं। जानवर हाथ जोड़ के कीर्तन नहीं कर सकता है, वो ताली बजा के हाथ नहीं ताली बजा के कीर्तन नहीं कर सकता है, हमें हम इंसान हैं, हम मनुष्य हैं, कोई जानवर तो नहीं है ना, यहाँ पे मनुष्य हो ना सब, तो फिर हम ऐसा क्या अलग कर रहे हैं जो जानवर नहीं कर रहे, खाता पीता रहता सोता वो भी है, वही हम करेंगे अगर हम भजन नहीं कर रहे हैं तो हमें कुछ अलग करना है जिससे हम लगे हाँ हम मनुष्य हैं। बच्चा अच्छी वाला कि नहीं अच्छी वाली था, आप भी चाहते हो आपका बच्चा इसे बोले, कौन चाहते है हाँ तो उठा कौन कौन चाहते है, अरे जोर साथ उठा, अगर ऐसे इधर खड़े देखो अगर आप भी चाहते हो ऐसे नहीं कि बच्ची पढ़ाई नहीं करती, देखो अभी पढ़ने के लिए ट्यूशन में जा रही हूँ, देखो तिलक लगाए देख रहे हो तिलक लगाए गले में देखा तुलस की कट्टी है, हैं और कोई मांस मछली अंडा पट्टा कुछ नहीं खाती है, हैं और प्याज लहसुन भी नहीं खाती है, चाय भी नहीं पीती है, समझ रहे हो, इसलिए शुद्ध शाकाहारी और पढ़ाई भी कर रही है और भगवान की भक्ति भी कर रही है, दोनों काम, इसलिए हमारे भगवान नरसिंह देव कहते हैं, ध्यान देकर सुनो कि भगवान नरसिंह देव कहते हैं जिस वंश में एक बच्चा प्रभु के भजन में लग जाए उसको कितना लाभ है, भगवान कहते हैं भले कुलम पवित्रम कहते तो उसका 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, भगवान खुद कहते हैं त्रिसप्त भी पिता पुत्र उसको 21 पीढ़ी उधार हो जाते हैं, भले जननी कृतार्था जो पिता माता वो बच्चे को जन्म देती है, पिता माता का जीवन भी धन्य हो जाती है,
नृत्यंति स्वर्गे पितरि पितरेषा, जो तुम्हारी पूर्वज लोग को पहले चले गए, पहले पहले चले गए, आप लोगों को पता होगा, ध्यान दे सुना, आपको पता होगा एक पितर दोष, नाम सुने हो, ये पितर दोष ऐसे भी चीज है, अगर तुम्हारी पूर्वज लोग दुखी है, सुखी नहीं, तुम्हारी घर में जितने धन दौलत क्यों नहीं हो, देखना वो घर में शांति सुख नहीं होता, भले ही जितने कुछ हो जाए, घर में तरह तरह का बाधा विपत्ति अशांति, एक दुख बाद में एक दुख आ जाती है, क्योंकि तुम्हारी पूर्वज लोग संतुष्ट नहीं है, इसलिए ये दुख कष्ट होता है। लेकिन ये पितर दोष कब खत्म होता है, भगवान नरसिंह देव कहते हैं, बोले नृत्यंति स्वर्गे पितरि पितरेषा, जब वंश में कोई व्यक्ति भक्ति करना शुरू करते, भगवान के नाम जप करना शुरू करते, प्रभु की भक्ति करते हैं, कहते नृत्यंति, वो लोग नाचना शुरू कर देते हैं, हमारी कितना भाग्य है, हमारी वंश में एक व्यक्ति भगवान की भजन करता है, अभी हमें ये पितर दोष भोगना नहीं पड़ेगा और नरक में जाना नहीं पड़ेगा। इस पुराण में आती है, पुराण में ये आती है, एक समय कोई एक पापी को जम महाराज ये जमपुरी में गले पकड़ करके उसको पायखाना पेशाब कुंड में डुबा रहा था, लेकिन वो व्यक्ति बड़े जोर से ठाल लगाकर हा ग्रास रहा था, वो जमदूत ने कहा तेरे को तो टाटी पेशाब कुंड में डूबो रहे, तू हंस रहे हैं क्यों, बोले जो करना आज करो कल नहीं कर पाओगे, बोले क्यों, बोले कल मेरे वंश में एक व्यक्ति भगवान की भक्ति करने जाएगा, सतगुरु आश्रय करते हुए भगवान की भक्ति करेगा, कल से हमें पूजा तुमको करना पड़ेगा, जो कुछ करना तू आज कर ले। और कहते वसुंधरा वसतिस्थ धन्या, जिस पृथ्वी को ऊपर में वो बच्चा जन्म ग्रहण करता है वो पृथ्वी भी धन्य हो जाती है, इतना लाभ है जिस वंश में एक बच्चा प्रभु की भजन में लग जाए, इतना फायदा, अगर बच्चा अगर गलत रास्ता पर जाए, शराब पीता है, मांस खाता है, उल्टा पुल्टा पाप कर्म करता है, उसका फल भी पिता माता को लेना पड़ेगा, ये पुराण में आया है। कहते कोई एक योगी स्वर्ग में पहुंचा, एक व्यक्ति बहुत पुण्य कर्म करके स्वर्ग गया था, सोने की सिंहासन में बैठा हुआ, अप्सरी चांबर में भजन कर रही थी, वहां पर बैठी बैठी कर रो रहा था, योगी ने पूछा भैया तू रो रहे क्यों, बोले मेरे से एक गलती हो गई, बोले क्या हो गई, बोले बच्चों को मैंने सद्मार्ग नहीं दिखाया, मैंने जो पैसा छोड़ करके आया था बच्चे उसी पैसा से शराब पी रहे हैं, मदिरा पान कर रहे हैं, मांस खा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, चूंकि मैंने ही वो पैसा रख करके आया था, मेरे पैसे के वे दुर्व्यवहार कर रहे हैं, इसलिए मेरे को स्वर्ग में भी चैन नहीं, इसलिए क्या करनी चाहिए, बच्चों को अच्छे संस्कार दो, कितने पैसा तुम देकर गया वो महत्व नहीं, बच्चे को तुमने कितने संस्कार दिया ये महत्व का विषय है, जितने पैसा छोड़ कर जाओगे, कोई कोई कहते ना किसको बोले भजन करने के लिए, बोले समय कहाँ, बोले क्यों, बोले बच्चे के लिए पैसा कमा करके जाना ना, गुरुदेव कहते थे भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमाओ, वो होनहार होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक ही बनेगा ना, जितने तू पैसा कमा करके जा रहे हो सब बर्बाद कर देगा, हैं वो सब बर्बाद कर देगा, इसलिए क्या कमाओ, प्रभु की भक्ति कमाओ, बच्चों को ऊपर अच्छे संस्कार दे करके जाओ, ठीक है ना, बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हमारे प्रभु जी थोड़ी सी आपको कुछ कथा सुनाएं, इनको ये भी सुनाना, इनके बच्चों के लिए कुछ बात सुनाना, और इनको देशा में बहुत दो दिन का तो क्लास दे सकते हैं। हरे अज्ञान्त मिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैः च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द, बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम अस्मदीय गुरु पादचरणों परम आराधितम श्री श्रीमद भक्तिवेदांत श्री गुरु गोस्वामी महाराज के चरणों में
असंख्य कोटि नमन प्रणाम करता हूँ। तदुपरांत समस्त गुरु परंपरा के चरणों का आश्रय लेते हुए उपस्थित समस्त वैष्णव वैष्णवी हरिकथा श्रोत मंडली मातृवृंद समस्त के चरणों में मेरा यथायोग्य दंड प्रणाम। नंदोत्सव नंद भवन में बड़ा सुंदर भाव से पालन हो रहा था और इस तरफ मथुरा में वसुदेव महाराज जिस बालिका को नंद भवन से लेकर गए थे कारागार में प्रवेश करने के साथ साथ ही समस्त कारागार के द्वार बंद हो गए। वसुदेव महाराज के हाथों में बेड़ियां पड़ गई और वो छोटी बालिका अब तक तो बड़ी शांत थी, साक्षात योग माया को लेकर आए हैं प्रभु की लीला में सहायक थी, लेकिन कारागार में प्रवेश करने के साथ साथ ही वो रोदन करने लगी। जैसे ही रोना प्रारंभ हुआ पहरेदारों ने जाकर कंस को सूचना दे दी, बोले तेरे काल ने जन्म ले लिया है लेकिन पुत्र नहीं पुत्री हुई है। कंस तो दौड़ा दौड़ा आ रहा है, पैर कांप रहे हैं, इधर उधर झूमता फिरता जैसे ही कारागार में प्रवेश किया देखा पुत्री जन्म ली है। विचार करने लगा देवताओं ने ये तो नहीं कहा था कि पुत्री होगी ना पुत्र होगा, अष्टम गर्भ की संतान काल है तो इसे भी मार देना उचित है। उसी समय वसुदेव महाराज और देवकी दोनों प्रार्थना करने लगे कि छह छह बच्चों को तूने हत्या कर दी लेकिन इसे तो कम से कम छोड़ दे, अरे ये तो कन्या रूप में जन्म हुई है, मैं प्रकृति काल में इसे तेरे घर की ही बहू बना दूंगी। लेकिन कंस राजी नहीं हुआ। वसुदेव महाराज जानते हैं कि अपनी संतान नहीं, अपनी संतान को तो मैं नंद भवन में रखकर आ गया हूँ और वहां से किसी पराये की धरोहर जब लेकर आया हूँ मेरी संतान मुझे कब प्राप्त होगी, जब अब किसी की संतान को पुनः लौटा दूं, अगर ये मर ही गई तो मैं अपने पुत्र को भी कभी प्राप्त नहीं कर पाऊंगा। इसी दुख से बड़ी याचना करी लेकिन कंस राक्षस क्रूर बुद्धि कहां सुनने वाला था। वहीं पर जैसे ही उसने लेकर और योग माया को स्पर्श किया, स्पर्श करने के साथ साथ वो महामाया रूप में प्रकट हो गई। सात अधस्ता समुत्पेत्य सत्यो दिव्यं वरं गता अदृश्यता अनुजा विष्णु सायुधा अष्ट महाभुजा। अष्ट महाभुज रूप धारण करके और छाती पर एक लात मारकर आकाश मार्ग में चली गई। कहने लगी रे मूर्ख तू मुझे क्या पछाड़ मारकर मारेगा, तेरा काल तो अन्यत्र जन्म ले चुका है। कंस विचार कर रहा है कि ये तो मेरी कुलदेवी कंकाली है और ये तो कभी झूठ नहीं कह सकती, अरे क्या देवताओं ने झूठ कहा था कि अष्टम गर्भ में मेरा काल है, ये तो कहती है मेरा काल कहीं अन्यत्र जन्म ले चुका है। जो भी हो देवकी वसुदेव के पास पुनः आकर उनको कारागार से मुक्त कर दिया, क्षमा याचना करी, बड़े ही तत्व ज्ञान देने लगा है। बोले देखो देवकी मरता तो शरीर है, मैंने तुम्हारे बच्चों को मारा निश्चित रूप में कोई पूर्व प्रारब्ध होगा, तुम जो हुआ उसे भूल जाओ और आराम से तुम यही मथुरा में निवास करो। इस तरफ नंद भवन में जब उत्सव चल रहा था नंद महाराज बड़े ही व्यस्त थे उत्सव में, लेकिन हठात मन में पड़ा कि अरे 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 हमने तो एक भूल कर दी। बोले क्या भूल? बोले नंद बाबा विचार कर रहे हैं कंस को मैंने अब तक कर नहीं दिया, नंद भवन में उत्सव चल रहा है लेकिन ऐसे समय पर भी अब तक, क्योंकि नंद बाबा बड़े उदासीन थे, घर में कोई संतान नहीं थी, सोच रहे हैं टैक्स देकर भी क्या लाभ, परवर्ती काल की फ्यूचर की कोई चिंता नहीं थी, लेकिन अब जब घर में लाला का जन्म हुआ है नंद बाबा के मन में तो हिलोरे उठ रही है, कब लाला बड़ा होगा, कब लाला छम छम करके पायल उसके पैरों में पहनाऊंगा चलना सीखेगा, कब लाला और थोड़ा बड़ा होगा गोचारण करेगा, और थोड़ा बड़ा होगा घर में बहू आएगी, बहू हमारी बहुत सेवा करेगी। इतनी सारी इच्छाएं हृदय में जाग रही है, विचार कर रहे हैं कि जाकर राजा को टैक्स दे देना चाहिए, टैक्स देकर राजा का मुंह बंद कर देना चाहिए। गोपान गोकुल रक्षायां निरुप्यं मधुरागता नंद कंसस्य वार्षिक्यं करं दातुः कुरुत्वः। श्री सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे गुरुत्वः हे सुखदेव हे परीक्षित महाराज, नंद को बाबा आज कंस को कर देने के लिए वार्षिक कर देने के लिए नंद भवन से छोड़ निकल गए। गोप लोगों को कहा कि तुम यहाँ आनंद उत्सव मनाओ, मैं जरा कंस को कर देकर आता हूँ। इस तरफ नंद बाबा तो मथुरा में गए हैं लेकिन वसुदेव महाराज से मिले और उनकी खोज खबर लेने लगे। कंस ने उसी समय पर समस्त अपने असुरों को एकत्रित कर लिया और कहते हैं कि मेरा काल अन्यत्र जन्म लिया है,
पूतना उसी समय कहने लगी, भैया चिंता मत करो, अरे मेरा नाम ही है पूतना, मैं कहीं नवजात शिशु, अगर तेरा काल जन्म लिया है एक मास के अंदर ही तो होगा, मैं इस एक मास में जन्म लिए हुए सभी बच्चों को मार दूंगी, सभी को खा जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। कंसेन प्रहिता घोरा पूतना बाल घातिनी शिशुश्चार निघ्नन्ति पुरग्राम रजादिषु। पूतना कंस द्वारा प्रेरित होकर और बच्चों को मारने के उद्देश्य से इस बार गोकुल में आ गई है। लेकिन टीकाकार प्रश्न करते हैं, पूतना तो राक्षसी है, ये अपवित्र है, अरे ये अपवित्र वस्तु आखिर ब्रज में प्रवेश कैसे कर गई? बड़े ध्यान देकर सुनिए, अपवित्र वस्तु कहाँ पहुंचती है, कहाँ जाएगी? जहाँ पर साक्षात ब्रजेंद्र नंदन कृष्ण लीला कर रहे हैं, उनके परिकर सब जहाँ पर है, वहां पर ये अपवित्र वस्तु कैसे आ गई? अपवित्र वस्तु आती कहाँ है? बोले कि जहाँ पर ठाकुर का नाम कीर्तन ना हो, जहाँ पर नयत्र श्रवणादिनी रक्षोज्ञानी स्वकर्मसु, कहते हैं जहाँ पर ठाकुर का कथा कीर्तन नाम पाठ उनकी आरती पूजा इत्यादि ना हो, ऐसा स्थान अपवित्र है। और ऐसे अपवित्र स्थान पर पूतना निश्चित रूप में आएगी। आप विचार करके देखो, पहले की हमारी सारी माताएं बड़ी बुढ़िया क्या करती थी, सवेरे सवेरे उठ के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करके अपना लीपा चौका कर लेती थी, ठाकुर की आरती पूजा कीर्तन ठाकुर को दीप धूप दीप इत्यादि दिखाकर उनके लिए ही सारी चेष्टाएं करती थी। ऐसा स्थान अत्यंत पवित्र होता था, ठाकुर का नाम कीर्तन जहाँ पर हो वो स्थान परम मंगलमय हो जाता है। लेकिन आज के ऐसे विडंबना हो गई है, सुबह उठते ही MTV म्यूजिक और तरह तरह के बॉलीवुड गाने हम सुनना चालू कर देते हैं, ठाकुर का नाम कीर्तन नहीं करते, ठाकुर की आरती पूजा इन सब से कोई मतलब नहीं रह गया है, उठे तो वैसे भी लेट है, स्नान हो रहा है 10-12 बजे तक। ऐसे अपवित्र स्थान पर निश्चित रूप में पूतना आएगी। अपने घरों को यदि बचाकर रखना चाहते हो तो भगवान की कथा कीर्तन उनकी पूजा अर्चना को निश्चित रूप में अपनाना होगा। पूतना यहाँ पर ब्रज धाम में आई है क्योंकि भगवान की इच्छा है। कृष्ण देखने में इतने सुंदर है, इतने मनोहर रूप, सारे ब्रज में हल्ला हो गया, बोले नंद के लाला देखने में तो है काला लेकिन जगत का उजियारा है, बड़ा सुंदर स्वरूप है, इसीलिए सब ब्रजवासियों की इच्छा है हम भी उसके दर्शन करें। लेकिन पहले तो सूतक लगता था, सूतक मानता है ना, गर्भवती महिला जब किसी बच्चे को जन्म देगी तो उस घर में कोई जा नहीं सकता, 21 दिनों तक वो सूतक रह लगेगा। लेकिन ब्रजवासी लोग सबकी इच्छा है कृष्ण दर्शन करने की, कृष्ण स्वयं ही भक्तों की इच्छा पूर्ण करने के लिए अभी बाहर आने की प्लानिंग कर रहे हैं। पूतना को प्रेरणा दे दी, पूतना वहां पर बड़ा सुंदर स्वरूप धारण करके आई, इतना सुंदर स्वरूप धारण किया है ऐसा लग रहा था मानो कमल वन से लक्ष्मी ही आ गई, हाथ में पद्म फूल घुमाते घुमाते इतराती बलखाती चमचमाती हुई साड़ी पहन रखी है, पतली कमर केश को मल्लिका फूल से सजा रखा है, कमर में करधनी पैरों में नुपुर छम छम बजते जा रहे हैं, होठों पे लालिका और कमल आंखों में बड़ा सुंदर काजल लगाकर इतना सुंदर स्वरूप सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं पूतना का कि ऐसा लगता था कृष्ण के स्वागत के लिए लक्ष्मी आई है, स्वयं लक्ष्मी उपस्थित हुई है। जैसे ही ब्रज भवन के अंदर नंद भवन के अंदर प्रवेश किया, जाते ही यशोदा से कहने लगी, बोले अरे यशोदा बधाई हो बधाई हो, अरे मैंने तो जैसे ही सुनी तेरे घर लाला भैया है मैं तो दौड़ के चली आई। बोले कहाँ है लाला जरा दिखा तो। मैया यशोदा कहने लगी, ये मेरी बहन आज तक तो कभी देखी नहीं इसे, न जाने कहाँ से आई है। लेकिन फिर मनी मन चिंता करने लगी कि अभी हटा दीदी पूछ लूं बुरा मान जाएगी, इसीलिए कहने लगी लाला तो वही पालने में सो रहा है, एरी तुझे भी लाला रखना ही नहीं आता, अरे इतना सुंदर बालक उसको क्या कोई पल्ले में सुलाता है, गोद में लेकर उसे आलिंगन करके उसे पे स्तनपान कराना चाहिए। झट पूतना वहां पर गई, पालने में से कृष्ण को उठाया और अपनी गोद में ले लिया। लेकिन चराचर आत्मा सनिमिलित क्षण, भगवान ने उसी समय पर आंख बंद कर ली, राख के द्वारा जैसे आंख ढकी हुई रहती है कृष्ण उसी प्रकार शांत आंख बंद करके और बैठ गए। टीकाकार प्रश्न करते हैं, आंख क्यों बंद कर ली? अरे पूतना आई है उसको क्या दर्शन नहीं देना था, आंख क्यों बंद कर ली प्रभु ने? इसके पीछे कई कारण बतलाए।
कहते हैं छोटे बच्चों का स्वभाव होता है वो बहुत जल्दी सो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो कृष्ण पूतना की गोद में जाते ही शयन कर रहे हैं, सो गए हैं। कोई और संत कहते हैं नहीं नहीं शयन नहीं कर रहे, अरे ये पूतना बहुत ही खराब उद्देश्य लेकर आई है। बोले क्या? कहते हैं पूतना आई है ब्रज में सभी बच्चों को मारने के लिए। और सारे बच्चे कौन है? बोले कृष्ण के सखा सखी इत्यादि। अरे अगर कृष्ण के सखा सखी को मारने के उद्देश्य से आई है, ऐसी राक्षसी का कृष्ण दर्शन करेंगे? कृष्ण मानो उनका दर्शन ही नहीं करना चाहते। इसीलिए क्षण आंखें बंद कर ली प्रभु ने। और एक कारण कहते हैं, बोले कृष्ण वो आए ही है किस लिए? परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम, दुष्टों को मारने के लिए। लेकिन कृष्ण भी केवल मात्र 6 दिन के हैं। कितने दिन के? कितने? 6 दिन के बालक। कृष्ण सबसे पहले पूतना को ही मारेंगे। मानो मनी मन अत्यंत लज्जित हो रहे हैं, अरे पूतना एक स्त्री का रूप धारण करके आई है और मैं मारूंगा तो सबसे पहले स्त्री को। कृष्ण को लज्जा आ गई, लज्जा के मारे आंख बंद कर ली। सन्निमिल्यत क्षण। और एक कारण कहते हैं कि कृष्ण आंख बंद करके मानो मंगलाचरण कर रहे हो। कोई बढ़िया काम करना होता है तो उससे पहले मंगलाचरण करने का विधान है। आंख बंद करके मानो प्रभु मंगलाचरण कर रहे हो। दूसरा कारण यहाँ संत वर्णन करते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं है, कृष्ण के उदर में अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड है और पूतना आई है हाथ में विष लेकर, स्तन में विष लेकर। अगर विष कृष्ण के मुख में चला गया सारे ब्रह्मांड नष्ट हो जाएंगे। सारे ब्रह्मांड चिपकार कर करके प्रभु को बोल रहे हैं, बोले विष नहीं खाना, दूध मत पीना। लेकिन कृष्ण आंख बंद करके सभी को आश्वासन दे रहे हैं, बोले चिंता मत करो, चिंता मत करो, मैं तुम सबकी रक्षा करूंगा। कृष्ण ने आंख बंद करके भोले बाबा का स्मरण कर लिया। बोले भोले बाबा दूध पीना मेरा काम, विष पीना आपका काम। इसलिए आंख बंद करके मानो कृष्ण शंकर जी का स्मरण कर रहे हैं। और एक कारण यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मुनि लोग कोटि कोटि जन्मों तक चेष्टा करते हैं लेकिन फिर भी अंतिम समय पर भगवान का स्मरण नहीं आता। लेकिन आज पूतना आई है अंतिम समय पर, मृत्यु के समय पर कृष्ण साक्षात जिसकी गोद में विराजमान रहेंगे। अरे इसने ऐसा कौन सा पुण्य कर्म किया था जिसके फल स्वरूप कृष्ण के हाथ में लेकर और मरेगी, अपना देह त्याग करेगी। कृष्ण आंख बंद करके इसके पूर्व जन्म का स्मरण कर रहे हैं। यह वही रत्नमाला है बलि महाराज की पुत्री जिसने मुझे शिशु रूप में गोद में लेने की इच्छा करी थी। इसलिए प्रभु ने सब स्मरण कर रहे हैं, विभिन्न कारण यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। अभी पूतना ने तो देखते ही देखते कृष्ण को गोद में लिया, अपनी कंचुकी ऊपर करके और अपना स्तन बलात् कृष्ण के मुख में दे दिया। कृष्ण भी रसो वैस रसम ही व्यायाम रसानंद प्रभु, उन्होंने भी रस का आस्वादन करना आरंभ किया। दूध पीने लगे, विष पीने लगे और धीरे धीरे पूतना के प्राणों का शोषण करने लग गए। जब सहन नहीं होने लगा, कहने लगी अरे मुझे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, सा अलम अलम अति प्रभाषिणी। कहती है कितना दूध पिएगा, अब तो छोड़ दे, मैं और तुझे दूध पिलाना नहीं चाहती। कृष्ण कहने लगे मैं सहज में किसी को तो पकड़ता नहीं। अरे मैंने थोड़ी कहा था तू मेरे पास में आ, तू बड़ा सुंदर माता का रूप धारण करके आई है और मेरे को गोद में उठाकर दुग्ध पान करा रही है। तू मेरे पास में आई है, मैं तेरे पास में नहीं गया। लेकिन अगर एक बार मेरे पास में कोई आ जाए मैं सहज में पकड़ता नहीं, पकड़ने के बाद में लेकिन सहज में छोड़ता नहीं। बोलो श्री भक्तवत्सल भगवान की। पूतना छटपटाने लगी, पीड़ा असहनीय होते जा रही है। मनी मन विचार कर रही है भाई कंस के पास में ले जाती हूँ, निश्चित रूप में वो मेरी रक्षा करेगा। नंद भवन से बाहर आकर विकराल रूप धारण किया, विराट स्वरूप राक्षसी का स्वरूप, और भागती भागती कंस के पास में कृष्ण को लेकर जाना चाहती है। लेकिन प्रभु ने ब्रज सीमा के बाहर भी जाने नहीं दिया। कंस का एक बगीचा था जिसके अंदर बड़े सुंदर सुंदर फल मूल इत्यादि थे। पूतना को कृष्ण ने उसी समय पर पूरा मारकर और उसी स्थान पर धड़ाम करके गिरा दिया। सारा वन उपवन फूल पुष्प सब तहस नहस हो गया, सारे वृक्ष वहां पर ढह गए। टीकाकार प्रश्न करते हैं, श्रीजी गोस्वामी कहते हैं कि पूतना को और कहीं पर नहीं गिराया, जहां पर गोप लोगों के कृषि भूमि थी
या फिर गैया की गौचारण भूमि थी वहां पर ना गिराकर और ये कंस के बगीचे में ही क्यों गिराया? कहते हैं कंस का आदेश था कि मेरे इस बगीचे के फल और फूल किसी की सेवा में ना लगे, भगवान की सेवा में ना लगे, केवल मात्र मेरे और मेरे अनुचरों की सेवा में लगे। भगवान कहते हैं ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याजगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिता मागृता कस्याश्चनाविदा। भगवान कह रहे हैं ये समस्त सृष्टि जितनी ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याजगत्, अरे सृष्टि में जो कुछ भी तुम दर्शन कर रहे हो मैंने बनाया है। किस लिए बनाया है? बोले मेरी सेवा के लिए। तो हमारा क्या कर्तव्य है विचार करो। भगवान कहते हैं तेन त्यक्तेन भुञ्जिता, अर्थात जो कुछ भी है वो मेरी सेवा के लिए है। अगर मेरी सेवा में नहीं लगाओगे, कंस की तरह अपने आप भोक्ता बनोगे, तो भैया पूतना को लाके ऐसा गिराऊंगा सब तहस नहस कर दूंगा। देखो यहाँ पर बड़ी सुंदर शिक्षा है। जिनके घर में ठाकुर जी को भोग नहीं लगता, सब चीज लेकर आते हो, दाल चावल सब्जियां, लेकिन अपने भोग के लिए स्वयं खाने के लिए, ऐसे घरों में निश्चित रूप में पूतना आएगी। पूतना आकर सब कुछ तहस नहस कर देगी। क्यों? क्योंकि ठाकुर जी को भोग नहीं लगा रहे। ठाकुर जी को जो चीज निवेदित नहीं होती, शास्त्र कहता है वो साक्षात पाप भोजन है। वो अन्न दाल चावल नहीं, साक्षात पाप भोजन कर रहे हैं। उस पाप को भोजन ना करके ठाकुर जी को भोग लगाने का विधान है। लेकिन एक समस्या है, बोले यदि प्याज लहसुन अंडा मांस ये सब खाते हैं तब तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगा सकते, है ना? इसलिए सज्जन ये सब परित्याग कर दीजिए। प्याज लहसुन अंडा मांस ये सब ठीक वस्तु नहीं। मांस मछली गुरुदेव आगे समझा रहे थे किस प्रकार अन्य जीव की हत्या करके केवल मात्र हमारी ये 2 इंच की जिह्वा को स्वाद देने के लिए हमने किसी जीव की हत्या कर दी। विचार करके देखो कितना जघन्य पाप है, कितना जघन्य पाप। अगर आपके सामने कोई आपकी संतान को मार दे और उसके बाद में उसे खाने के लिए आपके आपके पास उसे खाने लगे और आपसे क्षमा याचना करे, क्या आप उसे माफ कर देंगे? माफ कर देंगे? कभी संभव नहीं। ठीक उसी प्रकार जिस मछली को आप खा रहे हैं, जिस बकरे को खा रहे हैं, जिस अंडे को खा रहे हैं, अरे उनके अंदर भी तो वही परमात्मा के अंश आत्मा का निवास है। क्या वो जीव नहीं? वो भी सब भगवान के संतान है। उसको काट कर उसको मार कर खाना साक्षात पाप भोजन है। और यहाँ तक कि प्याज लहसुन भी, कल हम लोग श्रवण कर रहे थे, जिस समय समुद्र मंथन हुआ चोरी से एक राक्षस ने, सौरभानु नाम के राक्षस ने क्या किया, अमृत भक्षण कर लिया। भगवान ने उसी समय पर सुदर्शन चक्र लेकर उसका गला काट दिया। गला काट दिया तो जहां पर रक्त की बूंदे गिरी उसी स्थान पर मसूर दाल सृष्टि हुई। जहां पर मांस गिरा उसी स्थान पर प्याज का पौधा हुआ है। जहां पर हड्डी गिरी उसी स्थान पर लहसुन की सृष्टि हुई है। ये सब भी तामसिक वस्तुएं हैं, इसलिए कभी भी ठाकुर को भोग नहीं लगता। ये चीजें कभी भी नहीं ग्रहण करनी चाहिए। प्याज लहसुन को हटाकर सात्विक रूप में भगवान का भोजन भोग बनाइए और ठाकुर को भोग लगाकर उसे ग्रहण कीजिए। जिस लक्ष्मी को हम अन्न दाल चावल सब्जी ये सब खरीदने में नियोग करते हैं, अगर उसको ठाकुर की सेवा में नहीं लगाया, वो लक्ष्मी लेकिन कभी भी शांति नहीं रहने देगी, कभी भी आपको सुखी नहीं रहने देगी। कितना अथा पैसा क्यों ना हो, ठाकुर की सेवा में यदि नियुक्त नहीं किया तो सब निरर्थक, सब वेस्ट। मनुष्य भक्तवत्सल भगवान की। पूतना को उसी स्थान पर गिरा दिया। ब्रजवासी तो बड़े डरते डरते भागते भागते जब आए, देखा काना उस राक्षसी की छाती पर खेल रहा है, एक सीढ़ी लेकर और बड़े डरते डरते उतार रहे हैं। मनी मन सोच रहे हैं कि भैया ये राक्षसी अगर जग गई हमको तो कच्चा ही खा लेगी, इसीलिए बड़े भय भी लग रहा है, लेकिन कृष्ण रक्षा के लिए उतारने लगे। और उतारते ही जैसे ही मैया यशोदा के गोद में दिया, काना खिलखिला के हंसने लगे। बालक की हंसी देखकर सारे ब्रजवासी में आनंद की लहर दौड़ उठी, सब आनंदित हो गए। मैया यशोदा को लेकिन काना की इतनी चिंता है, गोमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सार्वकम् रक्षां चक्रुश्च शक्रिता द्वादश अंगेषु नाम भी।
मैया यशोदा ने गोमूत्र और गोबर से कन्हैया को स्नान करवाया। गैया के खुर से जो मिट्टी उठती है वो मिट्टी भी बड़ी पवित्र होती है, उसी ब्रजरज को लेकर और क्या किया, द्वादश अंगेशु नाम भी, कृष्ण को तिलक लगा रही है। ललाटे केशवाय नमः, उदरे नारायणाय नमः, वक्षे माधवाय नमः, कंठे गोविंदाय नमः। मैया यशोदा कृष्ण को उन्हीं के नामों से आज तिलक लगा रही है कृष्ण की रक्षा करने के लिए। विचार करके देखो ये तिलक क्या साधारण है। अरे जिसको साक्षात कृष्ण धारण करते हैं, मैया यशोदा कृष्ण रक्षा के लिए कृष्ण को तिलक लगा रही है, वो भी उन्हीं के नाम से। कृष्ण मनीमन विचार कर रहे हैं, मेरे नाम की इतनी महिमा, मेरे नाम में ऐसा क्या है, ये ब्रजरज में ऐसा क्या है कि मैया मेरे शरीर को इससे आवृत कर दे रही है, सुरक्षा कवच लगा दे रही है। लेकिन सज्जन हम लोगों को तिलक लगाने में लज्जा लगती है। कितने सारे यहाँ पर हमारे भक्त भी हैं जो गुरु जी से हरि नाम दीक्षा ग्रहण किए हैं लेकिन तिलक नहीं लगाते। तिलक केवल मात्र भागवत कथा में आ रहे हैं इसलिए दिखाने के लिए लगा दिया, ऐसा नहीं। प्रत्येक दिन तिलक धारण करने का नियम है, स्नान करने के साथ साथ बाहर आने के बाद में तिलक लगाओ, ऐसा नहीं किसी को दिखाने के लिए। अरे हम केवल मात्र रिझाएंगे तो ठाकुर जी को, कृष्णचंद्र को, वो तो सब समय देख रहे हैं। आप भागवत कथा में आओ या ना आओ लेकिन तिलक लगाने का नियम पक्का कर लीजिए। ये तिलक सुरक्षा कवच के रूप में गुरु जी जब तिलक लगाना सिखाया था सबको बताया होगा। अरे अगर तिलक लगाकर कहीं बाहर जा रहे हो, कोई दुर्घटना कोई विपत्ति आपके ऊपर नहीं पड़ेगी। हम लोगों ने तो कितने ही प्रमाण देखे हैं। एक समय बड़ौत में वहां पर एक लड़की थी, रात में पता नहीं उसे क्या हो जाता था, रात में अपने आप ही उठ के और चलने लग जाती थी, भागने कोई बुरी शक्ति उसके ऊपर आती थी तो रात में घर से भाग के निकल जाती थी। घर वाले बड़े परेशान, कई सारे बाबाओं को कितनों को दिखा दिया, लेकिन जब हमारे गुरु जी के पास में आई, हमारे प्रभु जी के पास में आई, उन्होंने कहा केवल मात्र तुम रात में तिलक लगाकर आचमन करके और उसके बाद में शयन करना। ये तिलक की इतनी महिमा है, तीन दिन में बाद में जब दोबारा आई है मिलने, कहती है बाबा और ऐसी कोई परेशानी नहीं हुई और ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत स्वस्थ हो गई हूँ। गले में तुलसी कंठी नरसिंह कवच धारण करके बाद में गुरु जी के आश्रित हो गई। गुरुदेव जाते हैं रशिया में, एक स्त्री थी जिसको काफी समय से गर्भ धारण नहीं कर पा रही थी, जैसे गर्भ धारण होता कुछ समय में नष्ट हो जाता। गुरुदेव ने उसको तिलक लगाना के लिए बताया, आचमन करके तिलक लगाकर शरीर की शुद्धि के लिए बताया। इतना करने मात्र से ही उसका गर्भ धारण हुआ, आज उसकी संतान है, काफी बड़ी हो गई, गुरुदेव से हरिनाम दीक्षित लेकर वो बच्चा भी भजन कर रहा है। इसलिए तिलक को साधारण मत समझो। अरे कृष्ण जिसको साक्षात लगा रहे हैं उसको फिर हमें लगाने में क्यों लज्जा आएगी। किसी मुसलमान को देखना कभी टोपी पहनने में लज्जा नहीं करेगा, ऊंचे ऊंचे पजामे कुर्ता पहनने में वो लोग कभी लज्जा नहीं करते, लेकिन हम हिंदू, हमें हमारी सनातन धर्म की जो संस्कृति है, तिलक कंठी धोती, हमें ये पहनने में लज्जा लगती है। छोटे छोटे कपड़े पहनने में लड़कियों को जब सड़क पे गुजरती है लज्जा नहीं आती, अरे फिर ये धोती पहनने में क्यों लज्जा करे, तिलक लगाने में क्यों लज्जा आए, ये तो हमारी संस्कृति है, यही तो हमारी धरोहर है। इसीलिए नियमित रूप से सभी तिलक लगाइएगा। मैया यशोदा ने भी आज कृष्ण को तिलक लगाया और कृष्ण का गोमूत्र और गोबर से अभिषेक किया। नंद बाबा उसी समय पर उपस्थित हो गए, विचार कर रहे हैं ये इतना बड़ी राक्षसी कहां से आ गई, लगता है मैं नहीं था ना, इसीलिए सब पहरेदारों ने हर किसी को अंदर घुसने दिया। गोप लोग प्रश्न करने लगे, बोले बाबा जो हुआ सो हुआ, राक्षसी आई थी कृष्ण को मारने के लिए लेकिन भगवान नारायण ने रक्षा करी। कोई मानने को राजी नहीं कि 6 दिन का बालक उसने इतनी बड़ी राक्षसी को मार दिया। कहते हैं नारायण ने रक्षा करी तभी तेरा लाला बच गया। अरे मर गई तो मर गई, लेकिन हमारे जो गोकुल मथुरा का हाईवे था ना, वहां पर ट्रैफिक जाम कर दी, इतना विराट शरीर पड़ा हुआ है, इसका करे तो करे क्या। नंद बाबा कहने लगे बोले चिंता मत करो, भगवान ने अपना व्यवस्था भी कर दी है, ये जो सारे पेड़ पौधे आसपास टूटे हुए हैं उसी को लेकर और इसे आग लगा दो, आग लगा देंगे तो सदगति हो जाएगी। जैसे ही उसके शरीर को आग लगाई है, देह मानस्य देहस्य धूमश्चा गुर सौरभ, उसके शरीर से अगूर कपूर चंदन की सुगंध आ रही है, आग लगाते ही इतनी सुंदर सुगंध आ रही है, सारे ब्रजवासी एकत्रित हो गए।
मनीमन विचार कर रहे हैं कि अरे क्या स्वर्ग से पारिजात पुष्पों की वृष्टि हो रही है, किसी ने एक सुंदर कोई इत्र डाल दिया ना, क्या हुआ, इतनी सुंदर सुगंध कैसे आ रही है। जिस राक्षसी को कृष्ण ने स्पर्श कर लिया, जिसका स्तनपान किया है, वो क्या और अपवित्र रह गई? वो तो और अपवित्र नहीं है, निश्चित रूप में शरीर से अगूर कपूर की सुगंध आएगी ही। लेकिन सुखदेव गोस्वामी यहाँ कहते हैं कि ये जो राक्षसी आई थी, पूतना लोकपाल अग्नि राक्षसी रुधिरासना झिंगा सया भी हरे सनम दत्वाप सद्गतिम। कहते हैं इसका नाम ही था पूतना। क्या नाम था, क्या नाम था? पूतना। पूतना मतलब अपवित्र, पूतना अर्थात पूत मतलब बेटा, नाम मतलब नहीं, जो अपवित्र है। और फिर क्या बोले, लोक बालाग्नि, ये बच्चों की हत्या करने के लिए आई थी। नाम भी इतना खराब, काम भी इतना खराब। बोले ठीक है कोई बात नहीं, नाम खराब है काम खराब है, लेकिन कुल तो अच्छा होगा, किसी सदकुल में जन्म लिया होगा। बोले नहीं, राक्षसी उतना लोक बालाग्नि राक्षसी, राक्षस कुल में जन्म लिया है, हट कुल भी खराब। बोले कोई बात नहीं, चलो आहार तो अच्छा करती होगी, खान पान तो ठीक होगा। बोले ना, रुधिरासना रक्तपान करती थी, छोटे छोटे बच्चों को मारकर रक्तपान करती थी। लेकिन ऐसी अपवित्र निर्लज कुल कलंक और ऐसी अखाद्य वस्तु को ग्रहण करने वाली राक्षसी को भी भगवान ने क्या किया, झिंगा सया अपि हरये स्तनम दत्वा प्रसद्यते। बड़े ध्यान देकर सुनिए, हमें भजन करना है तो केवल मात्र कृष्ण का ही करेंगे। क्यों? बोले ऐसी राक्षसी जो कृष्ण को मारने के लिए आई थी, ऐसी राक्षसी को भी भगवान ने धात्री गति प्रदान कर दी, धाई माँ की गति प्रदान कर दी। यशोदा के पास में धाई माँ की गति प्रदान करी। सुखदेव गोस्वामी का ये बात सुन के और परीक्षित महाराज से प्रश्न करने लगे कि वाह भाई वाह, इतनी राक्षसी को भी धाई माँ की गति प्रदान करी, और ब्रज में जो सारी गैया सारी मातृस्थानीय गोपियां हैं उनको भी कृष्ण ने वात्सल्य प्रेम का आस्वादन करवाया, क्या दोनों में कोई फर्क ही नहीं है? अंधेरी नगरी चौपट राजा, टके सिर भाजे टके सिर खाजा, ये तो ऐसा ही लगता है, कोई राक्षसी आए उसको भी ऐसा, और कोई भक्ति भाव से आए उसको भी ऐसा। बोले नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, केवल मात्र पूतना को थाईमा थायोचित गति प्रदान करी, अर्थात यशोदा माँ के अनुगत्य में अंबिका और किलिंबिका, ये दोनों धाई है वहां की, उनके अनुगत्य में सेवा करेगी, उसको धाई माँ की गति प्रदान नहीं करी, धाई के समान। इसीलिए किम पुनः श्रद्धा भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, यदि कोई श्रद्धा पूर्वक आए, वो तो राक्षसी थी, लेकिन अगर कोई मानव हमारे जैसे मनुष्य आए, वो तो कृष्ण के लिए विष लेकर आई थी, लेकिन हम लोग अगर ठाकुर की कोई प्रिय वस्तु लेकर आए, उनके लिए कोई फल कोई माला कोई पुष्प तुलसी अगर लेकर आए, कृष्ण क्या नहीं देंगे? विचार करो, वो तो कृष्ण को मारने के उद्देश्य से आई थी, अरे अगर हम कृष्ण का हित लेकर या मन में सुहृद भाव लेकर कृष्ण सेवा वासना लेकर अगर आएंगे, कृष्ण हमें क्या नहीं प्रदान करेंगे? हमारे हृदय में अगर केवल मात्र श्रद्धा हो, देखो आप लोग बड़ी श्रद्धा से यहाँ पर कृष्ण कथा श्रवण करने के लिए आए हैं, क्या कृष्ण ये देख नहीं रहे? भगवान निश्चित रूप में ऐसी पूतना का भी यदि उद्धार कर दिया, हम लोगों पर भगवान क्यों नहीं कृपा करेंगे? भक्त वत्सल भगवान निश्चित रूप में हमारे ऊपर भी कृपा करके हमें अपने धाम को ले जाएंगे। एक ही केवल मात्र ग्रहणीय वस्तु है, ठाकुर का नाम ग्रहण करो, सदगुरु चरणाश्रय करके भजन करना आरंभ कर दो, बस भगवान की ओर एक कदम आप बढ़ाइए, 10 कदम वो बढ़ाने को तत्पर है, रेडी खड़े हैं, लेकिन एक कदम हमें बढ़ाना होगा, ठीक है? किम पुनः श्रद्धया भक्त्या कृष्णाय परमात्मने, वर्णन करते हैं कि अगर कोई यहाँ पर श्रद्धा पूर्वक इस पूतना मोक्षी कथा को सुनेगा, गोविंद लभते रति, भगवान के चरणों में रतिमति हो जाएगी। इसलिए देखिए भागवत कथा में प्रत्येक दिन आ रहे हैं, यहाँ प्राय करके देखो माताओं की संख्या ज्यादा है, माताओं के हृदय में बड़ा भक्ति भाव श्रद्धा होती है, और ये ही श्रद्धा आप अपने बच्चों में भी संस्कार रूप में प्रदान कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। कितने समय से हम उसके विषय में श्रवण कर रहे हैं, बच्चों को यदि संस्कार नहीं दिया तो सब चीज व्यर्थ हो जाएगी।
अगर किसी ने बहुत सारा धन संपत्ति एकत्रित किए बच्चों के लिए, लेकिन बच्चों को अच्छे संस्कार देकर गुणवान नहीं बनाया, तो फिर वो कुछ लाभ नहीं है। हम स्वयं यदि भक्ति करेंगे, हमारे भक्तों के परिवार यदि यहाँ देखोगे, छोटे छोटे बच्चे भी देखो आगे, ये 3-4 बच्चे जो बैठे रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी मुंडन करवा के शिखा रखते हैं, गले में कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं। क्यों? माता पिता कर रहे हैं। माता पिता को पहले आरंभ करना पड़ेगा। माता पिता जिस प्रकार का परिवेश घर में सृष्टि करेंगे, वैसे ही परिवेश में बच्चे अपने आप ढल जाएंगे। अगर आप शिक्षा नहीं दोगे तो बाहर तो शिक्षा देने वाले बहुत हैं। मैं अभी एक दो दिन पहले न्यूज देख रहा था, आप लोगों ने सुष्मिता सेन का नाम सुना है? सुना है ना? एक समय पर विश्व सुंदरी थी वो, मिस यूनिवर्स थी, लेकिन अभी कुछ ही दिनों पहले उसने विवाह कर दिया। विवाह किया और किससे? एक 50-60 साल के बहुत बड़े बूढ़े बिजनेसमैन से, है ना? हमारी जो संतान है, हमारे बच्चे आजकल ऐसे हीरो हीरोइन को ही रोल मॉडल मानते हैं, उन्हीं को आदर्श मानते हैं, टीवी से सारी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, हाँ कि ना? हाँ कि ना? अगर हम हमारी बच्चे ऐसे ही लोगों को अपना आदर्श मान रहे हैं, ऐसी ही शिक्षा, वो तो विश्व सुंदरी थी ना, उसके पास तो कोई कमी नहीं थी, लेकिन आचरण देखिए, आचरण देखिए, अगर उनको हम अपना आदर्श मान रहे हैं, हमारे बच्चे क्या शिक्षा लेंगे? विचार कीजिए। ये टीवी से जितनी सारी बॉलीवुड और इतनी सारी चीजों से जो भी हमारे बच्चे तो यही चीज देखते, टीवी में तो यही सब दिखा रहे हैं आजकल, और है क्या संस्कार आस्था कोई देखता है? बहुत ही कम होगा। लेकिन सारे ये चीज को ग्रहण करके देखो, इस चीज का हमारे ऊपर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है, बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर हम उनको अपना आदर्श मानेंगे, अगर उनको आप शिक्षा नहीं देंगे, संस्कार नहीं देंगे, तो गलत जगह से संस्कार लेकर और वो इसी संस्कार में शिक्षित होंगे। आप अगर उनको अच्छे संस्कार नहीं देंगे तो भैया बाहर तो लोग उनको बाइबल पढ़ाने वाले, गले में क्रॉस पहनाने वाले बहुत घूम रहे हैं। आप यदि तिलक लगाना, कंठी पहनाना, धोती पहनाना नहीं सिखाएंगे तो बाहर तो बहुत लोग हैं ऐसे जो उनका खतना करवाने के लिए और क्रॉस पहनाने के लिए विराजमान है। अब आपको विचार करना है हम क्या करें। अगर ऐसे संस्कारों में हमारे बच्चों को शिक्षित नहीं किया, अच्छे संस्कार नहीं दिए, भजन का आदर्श नहीं दिखलाया, तो फिर तो भारत भी मुसलमान देश हो जाएगा निश्चित रूप में, इसमें कोई दोराय नहीं है। भागवत में आ रहे हैं, इसी शिक्षा को ग्रहण कीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दीजिए, यही मात्र मेरा अनुरोध है। गौरव प्रेमानंद हरि हरि बोल। बच्चों के पास से सब बोलो, बोलो लास्ट बोलो। आप लोग चाहते हैं आपके बच्चे भी इस तरह से संस्कार में शिक्षित हो या ऐसी शिक्षा ग्रहण करें, भगवान का भजन करना चालू करें? कौन कौन चाहता है? सब चाहते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात तो आपको खुद को आरंभ करना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर आप लोग चाहेंगे तो हम लोग बच्चों के लिए अलग से उनको क्लासेस भी देते हैं, है ना? होगा तो हमारे रोहिणी प्रभु भी यहाँ बीच बीच में आते रहते हैं और वो भी, उनके साथ में काफी सारी माताएं और काफी बच्चे जुड़े हुए हैं, वो भी शिक्षा देते हैं। अगर होगा तो आप लोग की यदि इच्छा होगी तो हम लोग भी उसके विषय में चेष्टा कर सकते हैं, लेकिन आपका एफर्ट्स होना चाहिए, है ना? इसलिए कथा के बाद में अगर आप लोग की इच्छा होगी तो फिर हम यहाँ अलग से बच्चों के लिए सेमिनार, मतलब प्रोजेक्टर के माध्यम से, जिस तरह से आजकल के बच्चे साइंटिफिक साइंस के तरीके से समझना चाहते हैं, तो इस तरीके से समझाने के लिए हमारे पास सारा कंटेंट है। आप लोग यदि चाहेंगे तो हम उसका उसके लिए भी एफर्ट्स करेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। बोला हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। और एक बार जोर करके बोलो, बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इधर इधर, हरे राम 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 राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय राधिकाय प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत नारायणी नामिने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च
पततानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शिष्य श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनके ऐतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। तत्पश्चात व्यास आसीन पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय चरण कमलों में पुनः पुनः दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे उनकी ऐतु की कृपा की प्रार्थना करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवियों के चरणों में और यहाँ उपस्थित हरि कथा सुनने आए भाई बहनों बच्चों सभी को मेरा यथा योग्य दंडवत प्रणाम। तो जैसे कि पिछले चार दिन और आज पांचवा दिन इस श्रीमद् भागवत कथा का शुरू के नौ अध्यायों में क्या है, एक भूमिका, एक प्लेटफॉर्म बनाया है ना, हमारे हृदय में जो कृष्ण आविर्भूत हो जाए। भगवान का जन्म कल हमने किया, आज हमने बधाई गाई है ना, तो क्या है वे कृष्ण हमारे हृदय में प्रकट हो उससे पहले हमें कुछ तत्वों को जानना पड़ेगा। भगवान क्या है, भगवान की महिमा क्या है, भक्तों की महिमा क्या है, तो भागवतम के शुरू के नौ स्कंदों में वही था। और अब जो महाराज जी की कृपा से हम जो दसम स्कंद में प्रवेश कर रहे हैं, कृष्ण जन्म हो चुका है, हाँ कृष्ण ने अभी कुछ लीलाएं करना शुरू कर दिया है ना, छह दिन का बच्चा क्या करता है बताओ। और यहाँ देखो कृष्ण ऐसी ऐसी लीलाएं कर रहे हैं, और ये लीलाएं हैं किस लिए, भगवान की। एक भगवान कहते हैं ना कि भगवान किस लिए आते हैं, परित्राणाय साधुना विनाशाय च दुष्कृताम, पर उसमें भी अगर पल्ला भारी देखें तो परित्राणाय साधुना अनुग्रहाय भक्तानाम, इसके लिए भगवान आते हैं। तो भगवान क्या करते हैं, जिन परिकरों के साथ आए हैं उनके साथ प्रेम का आदान प्रदान, लीला आस्वादन के लिए, और भविष्य में जो भक्ति करेंगे या जो भक्त बनना चाहते हैं उनको भगवान से हमारा क्या संबंध है ये जानने के लिए, है ना। अगर भगवान ऐसी मधुर मधुर लीलाएं ना करें, एक छोटे से बालक की तरह, एक नटखट बालक की तरह लीलाएं ना करें, तो क्या किसी माता का वात्सल्य जागेगा। ऐसी सखाओं के साथ मधुर लीलाएं ना करें तो क्या सखा प्रेम जागेगा। और अगर गोपिकाओं के साथ ऐसी प्रेममयी लीला करके सधरा धाम पे नहीं दिखाते तो क्या पता चलता कि हमारे प्रियतम वो हैं, उनसे ऐसे प्रेम किया जाता है। अब कृष्ण कुछ बड़े हो रहे हैं, और जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनकी चंचलता भी उसी प्रकार से बड़ी होती जा रही है ना। अब कृष्ण की जैसी जैसी वो लीलाएं करते हैं, अब लीलाएं भी देखो, कृष्ण टेढ़ो लीलाएं भी टेढ़ी, सीधी तरीके से तो वो चले ही नहीं, क्यों कह रहे हैं ये भक्ति थोड़ी सी टेढ़ी है ना। और जो इस टेढ़े रास्ते में आ गया, क्यों ये रास्ता टेढ़ा ऐसा है, एक बार घुस गए ना तो आगे ही जा सकते, पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं, एक नॉन रिटर्न वॉल्व होता है ना, पानी की टंकियों में कई जगह पंप वगैरह में लगता है कि पानी या तेल एक तरफ तो चला जाता है, वापस नहीं आ पाता। तो इसीलिए कि कृष्ण कैसे हैं, और नाम भी देखो क्या है, का पहले तो बड़े आराम से घूम गया और उसके बाद ऐसा घुमा कि बस अटक गया। तो ये कृष्ण ऐसे हैं कि ऐसी मधुर मधुर अपनी लीलाएं करते हैं, और उन लीलाओं से हम महाराज जी से सुन श्रवण भी कर रहे हैं कि कृष्ण शब्द का अर्थ देखो कितना मधुर, कृष्ण जो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, अपनी मधुर मधुर लीलाएं से आपको आकर्षित करते हैं, और ना
आनंद प्रदान करते हैं। आप खुद सोचो, इस जड़ जगत में एक छोटा सा बच्चा जरा सा ठुमक के चल ले, हाँ, थोड़ा सा तुतला के बोल ले, हाँ, या कुछ ऊंची पोंची सी हरकत कर ले, या उठा दे, या थप्पड़ मार दे, कुछ कर दे, हमारा हृदय कैसा आनंदित होने लग जाता है, जबकि वो क्या है, एक जड़ बच्चा। और सोचो वो भगवान त्रिलोकीनाथ और ऐसे हो गए हैं, भूल गए हैं कि मैं भगवान हूं, और अब नंद बाबा के यशोदा मैया के एक साधारण से पुत्र बन के लीला कर रहे हैं। आचार्य गण गुरुजन बताते हैं ये भगवान की माधुर्यमयी लीला है, कोई ऐश्वर्य नहीं है। ऐश्वर्य मतलब भगवान को याद है मैं भगवान हूं, भगवान को याद है मैं भगवान हूं, मैंने सृष्टि करी है, ये सब देवी देवता मेरे ही नौकर चाकर हैं, मेरे दास दासियां हैं, ये जीव भी मेरा ही अंश है, ये सब मेरे सेवक हैं, हाँ, ये भाव में। परंतु यहाँ पे तो ब्रज में भगवान भूल गए कि क्या मैं भगवान हूं, और क्या चल रहे हैं, नंद बाबा यशोदा मैया के फलक बन के घूम रहे हैं, सखा के सखाओं के साथ ऐसी लीला कर रहे हैं कि वो सखा भी झाड़ देते हैं, सखा भी नहीं जानते, कोई मानता ही नहीं है ब्रज में कि वो क्या है, कृष्ण भगवान है। सुबह एक बार बछड़े चढ़ाने के लिए जरा सी देरी क्या हुई, तो श्रीदाम सुदाम सभी सखा बाहर कर रहे हैं, अरे ओ कारू बाहर आ रो ना आ रो, हाँ, और जे कह रहे हैं कन्हैया, अरे भैया जरा नाश्ता थोड़ा गर्म है, धीरे धीरे कह रहा हूं, अबे कारे वहां पूरी आग पी गया और जहां कह रहा है नाश्ता गर्म है, चल जल्दी चल, ऐसे प्रेम से उनको खींच रहे हैं। और एक चीज तो हम जानते हैं वो क्या है, चोरा अग्रगण्यम, चोरों में भी क्या अग्रगण्यम, भगवान कह रहे हैं जब मैं भगवान हूं तो हर जगह भगवान हूं। यहां का चोर क्या चुराता है, थोड़ा सा धन संपत्ति, पर सोचो कोई आपका चित, आपका मन, आपका ध्यान चुरा के ले गया तो फिर क्या हालत हो गई। कल सुन रहे थे ना कुछ दिन पहले कि गोपी का ऐसा मन चुराया है कि पानी भरने के लिए मटका अंदर डालना था रस्सी बांध के कुएं में, और क्या कर रही है, अपने लाला के गले में रस्सी बांध के दे दिया, किसमें, कुएं में। तो कोई सी गोपी कह रही है, अरे जाको कौन सो भूत लगो, तो कह रहे हैं इसे भूत भूत कुछ ना लगा, इसे नंद का भूत लग गया। तो ऐसा तो वो ध्यान खींचता है, तो अब वही क्या कर रहे हैं, सबसे मधुर लीला माखन चोरी लीला शुरू कर दी है। जहां जाते हैं अपना पूरा गैंग बना रखा है, हाँ, रिपोर्टर भी है उस गैंग में, जो जाता है और चेक करके आता है, भैया आज कहां माल मसाला भरा पड़ा है, और वो कौन है, दधी लोभा, उनका छोटा सा बंदर, हाँ, वो बंदर उछल कूद के जाएगा सारी झोपड़ियों में, सारे घरों में चला जाएगा और पूरा आगे बता देगा, वो वहां चलो, और कृष्ण भी हाँ भाई प्लानिंग कर लो कैसे जाना है, और जाएंगे और खूब लूट पाट कर करके खा के पी के आ जाएंगे। अब वो जो गोपियां भी है ना, वो भी इंतजार कर रही हैं, सब मक्खन बना बना के रखती हैं, आज मेरे घर डकैती पड़े तो क्या आनंद आए, आज मेरे घर डकैती पड़े तो आनंद आए। और जिसके घर में डकैती नहीं पड़ती ना, वो आती है नंद, ये वो यशोदा के घर आती है, क्यों, उसे तो बेचारी को दर्शन हुए नहीं, तो आके शिकायत करती है, अरे यशोदे तेरा लाला आ जाता है हमारे घर में, हाँ, मक्खन चुरा के खा जाता है, खुद भी खाता है, बंदरों को भी खिलाता है, सबको खिलाता है, पूरा फैला के चला जाता है, हाँ, कोई कहती है अरे कल आया था मेरे यहाँ कुछ नहीं मिला तो सारी मटकियां तोड़ दी, चूल्हा भी फोड़ गया, देखो कैसा दुष्ट है ये, हाँ, कहां है वो निकाल उसे भाग, क्यों निकलवा रही है, आज एक बार झलक तो दिख जाए उसे लाला की। तो एक बार क्या हुआ, एक कलावती नाम की गोपी थोड़ी सी स्मार्ट बनने की कोशिश कर रही थी, है ना, आज के डेट में भी स्मार्टफोन आ गए, हम भी सोच रहे हैं हम स्मार्ट हो गए,
कलावती गोपी सोची आज मैं थोड़ी स्मार्टनेस करती हूँ, क्या करा उसने प्लानिंग करी, कहते ये गिट्ठे गिट्ठे से ही तो गोप है, तो क्या करती हूँ मक्खन थोड़ा ऊंचा छीके पे टांग देती हूँ, दही थोड़ी सी ऊंची छीके पे टांग देती हूँ और आज देखती हूँ ये क्या करते हैं। अब रिपोर्ट पहुंच गई, दधी लोबा ने बता दिया कि भैया खुशबू तो आ रही है उस घर में से, चलो। अब ये सारे आ गए और जैसे ही अंदर घुसे तो देख रहे हैं यहाँ तो कुछ भी नहीं है। श्री राम कह रहे अरे कहाँ, मधुमंगल कह रहे अरे मुझे बहुत भूख लग रही है, हाँ यहाँ ले आए इतनी मेहनत करा रहे जल्दी कुछ खाने को दो, अरे कन्हैया कुछ कर कन्हैया कुछ कर। कन्हैया कह रहे भैया रिपोर्ट तो पक्की मिली है, ढूंढो ढंग से। तो थोड़ा इधर उधर चलने लगे, अब जैसे ही सोच रहे ना निकल लेते हैं और वो गोपी बाहर खड़ी देख रही है, अरे इसे मिल ही नहीं रहा, मिल जाए। तो देखो ब्रज में हर चीज चिन्मय है, हर वस्तु चिन्मय है, वो भगवान की सेवा करना चाहती है, तो मटकी ही छलक गई। कहते हैं अरे लीला तो पूरी होनी, छलक गई तो कुछ गूंज टपकी, ओ ऊपर देखो है। बस सबने क्या किया, अब जैसे देखते हैं ना वो दही फोड़ी जाती है बॉम्बे में, पूरा ऐसे गोपाल लोग पूरा पिरामिड बना लेते हैं और ऊपर चढ़ के मटकी फोड़ते हैं, तो ये कहां से आ रही है, वही कृष्ण से शुरू हुआ। तो सभी शाखाओं ने पिरामिड सा बना लिया और कृष्ण चढ़ते 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 ऊपर चढ़ गए। अब सबसे नीचे मधुमंगल कह रहे अरे नेक्स्ट माखन मोए दे दे भाई, बहुत भूख लग रही है, गिर जाएगा सारा पिरामिड, जल्दी पास कर रहे हैं, खिला रहे हैं। पहले नीचे वालों ने खाया, फिर बीच वालों ने खाया, फिर ऊपर वालों ने खाया। अब कन्हैया की बारी, अब कन्हैया ने जैसे अपने लिए हाथ बढ़ाया, क्योंकि कन्हैया तो ऐसे ही ना भाई, लीडर तो पहले सबको खिलाता है फिर खुद खाता है। जैसे ही हाथ डाला गोपी ने हरकत मचाई और सखाओं ने देखा अरे ये तो गोपी यहीं छुपी खड़ी है, सारे भाग गए, कन्हैया वहीं लटका है। बोलो भाग्य बिहारी लाल की। अब गोपी कह रही है जय कारो तू आज आया मेरे हाथ, आज तो ना छोड़ूंगी मैं, आज रंगे हाथ पकड़ा तुझे, चल नीचे उतर। कहता गोपी इतनी खुशी हो गई, लगता तेरी बुद्धि चली गई, नीचे आना ही होता तो मैं भाग ही नहीं गया होता, उतार मुझे। कहते हाँ हाँ उतारती हूँ। कन्हैया को उतारा, कहते अब तुझे ना मैं बांधूंगी। कहते अच्छा बांधेगी, ले बांध ले। तो अब गोपी बांधने लगे, कभी ऐसे करे कभी ऐसे करे, कन्हैया ऐसे सर पे हाथ रख के खड़ा हो गया। कहते रही गोपी इतनी बड़ी हो गई पर तो बांधना ना आता, तेरी मतलब। कहता रुक खड़ी हो यहाँ पे, और ये बांस के पास खड़ी हो, वो झोपड़ी में लगा होता है ना बीच में, देख यहाँ खड़ी हो गई, देख हाथ ऐसे कर, हाँ देख कर लिए, देख अब ऐसे रस्सी लेते हैं पहले एक हाथ में कस के बांधते हैं, हाँ बढ़िया, फिर दूसरे हाथ में ऐसे लपेटा दे और ऐसे लपेट के फिर कस के गांठ लगा दे, देख अब इसको कोई नहीं खोल सकता। अब वो करी वाह कन्हैया आज तो बड़ा सही सिखाया, चल अब खोल दे और फिर मैं तुझे बांध के लेके जाऊंगी। अरे गोपी अब नहाने को तेरे हाथ, चल और करके कन्हैया भाग। अब ये कलावती कहती बदला तो लेके रहूंगी। फिर अगले दिन कुछ बनाया, अब कृष्ण आए हैं तो ऐसे छुपा के रखा है कि सबसे माखन तो बाद में टूट पड़ेंगे, पहले ही कृष्ण को दबोच लिया। कहते आज अब तुझे नहीं छोड़ूंगे, आज तुझे पकड़ लिया, आज तुझे लेके ही जाऊंगी यशोदा के पास, हाथ पकड़ रखा है। कहते आज रस्सी वस्सी का भी चक्कर नहीं, क्यों, क्योंकि कल रस्सी पे बेवकूफ बना के भागा था। अरे हाथ से पकड़ के रखूंगी, तुझे छोड़ूंगी नहीं। कहते अरे गोपी तेरा हाथ थोड़ा सा ना ये गोबर पात पात करके ना थोड़ा खुरदुरा सा हो गया, बड़ा सख्सा हो गया, और मेरी नाजुक नाजुक कलाइयां हाँ ये दब रही हैं, हाँ थोड़ी रगड़ रही हैं, थोड़ा हल्का पकड़ ले, हाँ तुझे ना छोड़ूंगी। अरे एक बार तो छोड़ देते, दुख रही है कलाई। कहती है अच्छा ठीक है, थोड़ी देर के लिए छोड़ती है और फिर पकड़ लेती है और फिर चलती रहती है और बड़बड़ाती जाती है। आज ये शुद्ध को बताऊंगी, देख तेरा लाला ऐसा, देख ये ऐसा महाचोर, ये वो, आज तो छोड़ूंगी नहीं, आज तेरी ऐसी शिकायत करूंगी, ये करूंगी वो करूंगी। करती 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 पहुंच गई नींद भवन में और आंगन में जाके चिल्लाई अरे यशोदे बाहर निकल, अरे यशोदे बाहर निकल। यशोदा माता बाहर आई,
अरे कलापति क्या हो गया, सुबह सुबह सारा ब्रज सर पे क्यों उठा रखा है तुमने? देख आज तू बाहर निकल, आज तू बाहर निकल, देख मैं किसे लाई हूँ, देख मैं किसे लाई हूँ, आज मैंने रंगे हाथ पकड़ा ऐसे चोरी करते हुआ, देख आज मैं छोड़ूंगी नहीं, देख रंगे हाथ पकड़ा ऐसे। अब जब वो चिल्ला रही थी ना, तो अचानक से यशोदा मैया के पीछे से कृष्णा आंख मलते हुए बाहर, अरे मैया सुबह सुबह कोई चिल्लाया है, सोने भी नहीं दे रही, कौन सी गोपी आ गई? और वो गोपी आवाज सुनी करी कन्हैया की आवाज, वहां नीचे थोड़ा, अब देखो ब्रज में क्या है, घूंघट का सिस्टम है, अब तो रहा ही नहीं, थोड़ा बहुत है। और आजकल की तो जो नई जनरेशन आई है स्त्रियों की, तो कहते हैं घूंघट तो किससे करेंगे, चुनिया भी नहीं है, है ना, सूटों के साथ, और दुकान पे तो सूट वाला चुन्नी भी नहीं रखने लग गया सूट के सेट के साथ, कहता कोई खरीदता ही नहीं है, कोई पहनता ही नहीं, हम क्यों दें? हमसे किसी ने पूछा, प्रभु जी आप गले में चुन्नी लेके क्यों घूम रहे हो? मैंने कहा हमारी माता बहनों ने छोड़ दी तो हम ही मुंह ढक ले इससे, ठीक है, ये हमारे भारत का संस्कार है। स्त्री को क्या बोला गया, एक गहना बोला गया है ना, तो गहने को तो कभी उघाड़ के रखते नहीं, छुपा के रखते है ना, तो सर ढक के चुन्नी लेके अच्छे से पल्ला लेके आए गुरु वैष्णवों के सामने, साधु संतों के सामने ऐसे ही जाना चाहिए, सदैव बड़े बूढ़ों के सामने, घर परिवार। कहा गया शास्त्रों में कि स्त्री, विवाहिता स्त्री केवल और केवल अपना सर नंगा अपने पति के सामने करती है और किसी के सामने नहीं, ठीक है। तो अब यहाँ पे कलावती तो सोच रही है, अब कलावती ने कहा अब तो नंद भवन में आंगन में हूँ, यहाँ तो सारी स्त्रियां हैं, थोड़ा सा घूंटा खोला तो देखा कालिया सामने खड़ा और कह रही ये कौन सा, अरे मनसुखा तू अपना ही लड़का पकड़ा हुआ है। और कन्हैया निकल के आया, देखा मैया देखा, जे मेरे को ऐसे ही झूठा फंसाती है, अपना लड़का पकड़ के लाई है, बाकी छोरा चोरी करता है, और वही देख आज पकड़ा गया है और मुझे कह रही है मैं चोरी करती हूँ, मैं करता हूँ। अब ये घबराने लग गई, अरे ये क्या हो गया, और उसको डांट रही, तू कहां से आ गया, मैंने तो वो पकड़ा था कालिया, तू कहां से आ गया, नहीं भैया तू मोई पकड़ के लाई, अरे तुझे पकड़ा ही नहीं मैंने। और लेके यशोदा को कहती, नहीं 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 यशोदा था तो वही, पता नहीं ये कैसे आ गया, चल कोई बात ना अगली बार आऊंगी, और वो डरी डरी चली बाहर निकल गई। और जैसे ही निकल गई चलने लगी तो पीछे से आवाज आई, अरे कलावती जरा आराम से पकड़, कलाई मेरी कोमल सी है, देखो अरे ये तो मनसुखा था, ये कालिया फिर कैसे हो गया? तो कह रहे हैं देख ले आराम से माखन खाने दियो, वरना अगली बार ना ये हाथ तेरे खसम का है। तो ऐसी ऐसी मधुर लीला कृष्ण ब्रज में कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारे हृदय में उनके लिए प्रेम जगे। ये बात मानते हो नहीं मानते हो कि ये शरीर किसने दिया है हमें, किसने दिया, ठाकुर जी ने दिया है, एक सूरदास जी हुए भगवान के भक्त, उनकी आंखें थी नहीं, वो जड़ दृष्टि से अंधे थे, शरीर में जो ये जड़ शरीर है ना उसमें ये जड़ आंखें नहीं थी, पर उनकी जो दिव्य दृष्टि थी वो ऐसी थी, जब भी बाके बिहारी जी के सामने जाते थे तो बिहारी जी ने जैसा श्रृंगार किया होता था ना वैसा ही सुंदर पद वो रचना करके तुरंत के तुरंत गा देते थे। तो एक बार पुजारी को लगा, हाँ एक बार पुजारी को लगा कि मुझे लगता है इसको इनको कोई बता देता होगा, बस मखन चोर भगवान की जय, ताली बजाने बस वृंदावन बिहारी लाल की जय। आज के हरे कृष्णा, देखो कल है भागवत कथा में सबसे बड़ा पूजा है, क्या जानते हो, कल श्री गिरिराज की पूजा है, एक बार जयकार दे दो, बोले श्री गिरिराज महाराज की जय। कल श्री गिरिराज अन्नकूट महोत्सव है, जब ब्रजवासियों ने गिरिराज की पूजा की गिरिराज स्वयं प्रकट हुए, जानते हो क्या वरदान दिए, बोले ये अन्नकूट महोत्सव में एक अन्न का दाना जिसने अन्नकूट की सेवा में दे दी
किसी जीवन में घर में अन्न वस्त्र की कभी अभाव नहीं पड़ेगी, कभी घर में कमी नहीं पड़ेगी, स्वयं गिरिराज बोले। इसलिए गिरिराज का एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए? परिक्रमा लगा आप देखना, गिरिराज जो गए हैं वो गिरिराज शिला के ऊपर शिला रखा हुआ देखे हो? जानते हो क्यों रखते हैं? बोले जिसको जितने मंजिले मकान चाहिए वो जितने शिला के ऊपर शिला रख देता है ना, ठाकुर जी उतना मंजिली मकान दे देते हैं, उतना मंजिले मकान दे देते ठाकुर जी। आप देखना गिरिराज की दूध दही से अभिषेक होता देखे होंगे। देखना पेड़ में पेड़ बंधा हुआ, धागा बंधे हुए। बोले क्यों? बोले जिन बेटियों की शादी जिनकी नहीं होती है, गिरिराज गोवर्धन में जाते हैं। बोले गिरिराज जी हमारी बेटी की शादी हो जाए, परिक्रमा करें, शादी करा। जिसको जितने धान दौलत से ना ब्रज में, ब्रज का लोगों घर में कुछ भी हो वो इधर उधर नहीं जाते हैं, सब के सब गिरिराज के पास में जाते हैं। इसलिए इनका एक नाम है सर्व अभीष्ट प्रदाता। गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज की परिक्रमा करते हैं, पता है चुपचाप बैठो, कहते ये गुरुदेव कहते थे जो व्यक्ति ये गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, ठाकुर जी उनकी पीछे पीछे ठाकुर घूमते रहते हैं। बोले क्यों? बोले इतना कष्ट करके मेरी परिक्रमा कर रहा है, क्या मुझे मांगेगा? जो परिक्रमा जो मांगो गिरिराज को ही दे देते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते थे ये सांसारिक की वस्तु तो गिरिराज अपने आप दे देते हैं, लेकिन जब एक वस्तु मांगो गिरिराज को सोचना पड़ जाता है। जान तो क्या, जब उनकी भक्ति और सेवा मांगो गिरिराज सोचते हैं इसका दू कि नहीं दू। बोले क्यों? बोले जब धन दौलत देते हैं देखें तो छूट जाती है, लेकिन जब भक्ति देते हैं भगवान को उनको वशीभूत होना पड़ता है। इसलिए भगवान भुक्ति मुक्ति देन प्रभु भक्ति राखे लुकाइया। भुक्ति मुक्ति तो अपने आप दे देते हैं लेकिन भक्ति को छुपा कर रखते हैं, लेकिन गुरुदेव कहते हैं गिरिराज को भी दे देते हैं। इसलिए गिरिराज की बड़ी महिमा है, बड़ी महिमा। इसलिए कल आप लोग अपना घर से गिरिराज के कुछ ना कुछ बना कर लाना, जो एकदम प्योर वेजिटेरियन हो, कोशिश करना चाहिए हलवा हो, पूरी हो, नहीं तो कोई बढ़िया सब्जी हो, जो अच्छी चीज बनाती हो, कोई मिठाई हो, कोई फल हो, कुछ ना कुछ लेकर के आना। क्योंकि गिरिराज जी कहते हैं एक बार अगर कोई सेवा में लगाए किसी जीवन में अन्न वस्त्र की कमी नहीं पड़ेगा। इतने गिरिराज की महिमा, कल से गिरिराज गोवर्धन की हम लोग गिरिराज की पूजा करवाएंगे, ठीक है? अभी श्रीमती राधा रानी जन्म लेने वाली, श्री ईश्वर जी आज जन्म लेने वाली। लेकिन आज हम लोगों ने आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, क्योंकि हम लोगों ने सात दिन तक कथा सुनेंगे। नियम है कथा से कुछ लो और कथा से कुछ दो, कुछ लो और कुछ दो। भैया दे क्या और ले क्या? बोले सारी गंदी चीज को यहाँ दे जा दिया। बोले ले क्या? बोले भगवान की भक्ति लो, भगवान की प्रेम यहाँ से लेनी चाहिए। अभी कथा से हमें क्या लेनी चाहिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। हर साल तो मैं सुनाता हूँ, कभी सुनाने पर जो नए लोग हैं इनके हृदय में भक्ति की भावना जगती है। ये कथा सुनाने का बाद में फिर पूछूंगा, जो बोल देगा ना मैं इसको इनाम दूंगा, और जो नहीं बोल पाएगा फिर बीच में खड़े कर दूंगा उसको। इसलिए ऐसे सुनना जैसे सुनने का बाद मेरे को बोल सकते हो और उसको याद कर लेना, क्योंकि ये कथा से मैंने इतने लोगों को बड़ी भक्ति में लगाए तुम जो सोच नहीं सकते। ये कथा सुनने के बाद जीव के असली परिचय उसको पता पड़ता है। ब्रजेश अब इसको बार बार राधा रानी जन्म लेगी, तुम सच कर क्या, ठीक है? पत्नी आएगी नहीं तुम्हारी, ठीक है? अब बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। ये कहानी सुन लो। बोले एक समय कोई एक राजा था, कहते वो राजा के चार रानियां थी। कितना रानियां थी? जोर से बोलो। जो बड़ी रानी थी, राजा उसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, उसकी मन पसंद चीज को देख देख उसको खुश करता था। अगर वो बोलती थी हैं मैं गोल गप्पे खाना चाहती, बोले चलो बढ़िया मिलता खिलाऊंगा, बोले बढ़िया पराठा, बोले अमुक स्थान पर चलो, बोले मैं ऐसे साड़ी चाहती, बोले चलो मल में ले जाओ। वो जिस समय जो चीज चाहती थी राजा उसको देख देख कर खुश रखता था। राजा की तो दूसरी नंबर की रानी थी, वो देखने में बड़ी सुंदरी थी, सब चाहते ना पत्नी बड़ी सुंदरी हो। इसलिए राजा जब नगर घूमने जाता था
उसको बड़ी अच्छे तरह से सजा सजा करके रथ में बैठा लेता था और दुनिया को दिखाया करता था। देखो रानी मरी कितने सुंदरी। राजा की जो तीसरी नंबर की रानी थी वो बड़ा मीठा मीठा बोली बोलती थी। इसलिए हर व्यक्ति चाहते ना जब घर में आए पत्नी ऐसे बोली बोले तीन भर का जो परिश्रम हमारी लाघव हो जाए। ऐसे नहीं घर में आते पटका फूटती है, पटका फट रही है, नहीं ऐसे नहीं करनी चाहिए। पति आते ही झगड़ा बगड़ा सारे दुनिया की दुख कष्ट बोलना शुरू कर दो। सास के साथ ऐसे हुई, इसको साथ में लड़ाई हुई, देवर को साथ लिए नहीं बोलनी चाहिए। पति को अच्छी अच्छी बात बताओ जैसे परिश्रम उसकी लाघव हो जाए। इसलिए बड़ा मीठा मीठा बोलती थी, उसको पास में बैठी करके उसको मीठा मीठा बोली सुनता था। राजा की जो चौथी नंबर की रानी थी है तो बड़ी प्यारी बड़ी अच्छी थी, लेकिन जब से राजा उसको घर में शादी करके लाया तब से उसको साथ में उससे कोई मतलब नहीं रखा। कभी पूछा नहीं तेरे पास में साड़ी साबुन तेल है कि नहीं। बेचारी बड़ी दुखी रहती थी। लेकिन राजा का भी अंतिम समय आया, मरने का समय आया। राजा ने देखा मेरे चार चार रानियां हैं, इनसे मैं प्रश्न करके देखता हूँ कौन कहाँ तक जाती है। तब उन्होंने सबसे बड़ी रानी से पूछा, बताओ तो सबसे बड़ी रानी कौन थी। तब क्या याद कर वो अभी इतना जल्दी भूल कैसे गई, कथा नहीं सुन रहे। बड़ी रानी कौन थी अभी अभी मैंने बोला ना कौन थी। अरे कौन थी बड़ी रानी सबसे। राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को ला ला कर उसको देता था, ये सबसे बड़ी रानी। इतना जल्दी भूल कैसे गई, कथा क्या सुनो फिर अभी नंबर आएगा। इसलिए सबसे बड़ी रानी थी जो राजा जिसको जीवन में सबसे ज्यादा प्रेम करता था, जिसकी मन पसंद चीज को दे देकर खुश रखता था। सबसे बड़ी रानी से पूछा, बोले रानी तू मेरे साथ में चलोगी। बोले तेरे साथ में मैं एक कदम भी नहीं चलूंगी। बोले क्यों, तेरे लिए जो मैंने इतना की बोले तेरा कर्तव्य। बोले तेरी बोले मेरी तो तेरी पर कोई कर्तव्य नहीं। राजा को तो बड़ा दुख मिला, जिसको सबसे ज्यादा प्रेम करता था वही जाने के लिए तैयार नहीं। सोचा दूसरे से पूछूं, दूसरी कौन थी। अब बोलो दूसरी कौन थी। अब ये बोला ना पता चलेगा तुम सुन रहे हो। मैंने कुछ सोचता हूँ तो शरीर से यही और मन से घर में बैठने लगता है। जो सबसे जो सुंदर थी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, देखो रानी मेरी कितने सुंदर। राजा दूसरी रानी से पूछा, बोले तू साथ में चलोगी। बोले मैं चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगा। बोले दूसरे से शादी क्यों करोगी। बोले तू तो दुनिया को पहले ही मेरे को देखा कर रखा, मैं कितने सुंदरी, इसलिए जिसको पास में जाऊंगी वही मेरे पसंद कर लेगा, मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी। राजा तो सुन करके प्यार को नीचे जमीनी खिसक गया, ये क्या बोल रही है। सोचा तीसरे से पूछो, तीसरी कौन थी बोलो जोर से। हाँ मीठी मीठी जो बात करती थी, जिसको सुन करके राजा खुश होता था, मीठी मीठी बात करता था और मन की बात जिसको बोलता था। उससे पूछा, रानी तू साथ में चलोगी, तो थोड़ी सी अच्छी निकली। बोले देख राजा चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चल सकती हूँ। बोले दरवाजा तक चलना थोड़ी चलना कोई है। बोले अगर तुम ज्यादा बोलोगे दरवाजा से चार ही कदम तो मैं आगे बढ़ा सकती हूँ, लेकिन तेरे साथ में नहीं चल सकती। बोले भैया तू भी किसी काम की नहीं, दरवाजा तक चलना थोड़ी कोई चलना है। बोले वहां से तो आगे चल ही नहीं सकती। इतने में सोचा चौथी रानी से पूछूं, फिर सोच रहा है जिसके लिए करोगे उसको तो पूछोगे, आज जिसके लिए करोगे नहीं उसको क्या पूछोगे, उसके लिए तो किया ही नहीं पूछो। बोला जब रानी एक बार पूछ करके देख ही लेता। बोले रानी तू साथ में चलोगी, उसको तो बड़ा क्रोध आया। बोले तेरे को शर्म नहीं लग रहा है, तू जब से घर में शादी करके लाए हो कभी तुमने पूछा तेरे पास में तेल साबुन और क्रीम लिपस्टिक है कि नहीं, पूछा तुमने कभी जिंदगी में, कभी पूछा ही नहीं, और मरते समय कह रहे हो मेरे साथ में चलोगी। बोले देख राजा मैं तुमको जीवन में सबसे ज्यादा मैं प्रेम करती हूँ, तू तो देख लिया जिन जिनियों को प्रेम करता था कहाँ तक जाना कहाँ तक गई। बोले मैंने देख लिया। बोले तू तो मेरे तरफ एक बार झांक कर भी नहीं देखा,
लेकिन मैं दिल से तेरे को ज्यादा प्रेम करती हूँ, तेरे साथ साथ में चलूंगी, सुखी में सुखी और दुखी में दुखी रहूंगी। राजा को तो बड़ा आश्चर्य लगा, जिनके लिए मैंने जीवन दिया वही जाने के लिए तैयार नहीं, और जिसके लिए किया नहीं वही जाने के लिए तैयार। देखो ये जो कथा है ये अपना जीवन की ये सही कथा है, इसके तात्पर्य को समझने के लिए कोशिश करो और कोशिश करो इसको शिक्षा को अपना जीवन में उतारने के लिए, ठीक है ना, तभी तो कथा सुनने का फल आपको मिलेगा। सबसे बड़ी रानी मतलब है अभी जीवन में जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम कर रहे हैं, उसकी मन पसंद चीज को देख कर खुश रखते हैं, लेकिन अंतिम समय में वो एक कदम भी हमारे साथ में नहीं चले। आप बताओ किसको ज्यादा प्रेम करते हो? कौन बोलता है? और किसको ज्यादा प्रेम करते? पीछे वाले बोलो। ये लोग तो कथा सुने भी बोल दी, इसलिए जो सुने ही नहीं, आप बताओ किसको ज्यादा प्रेम करते हो? अरे बोला जीवन में सबसे ज्यादा किसको प्रेम करते हो? कोई बोलेगा हम बेटा को करता है, कोई बोलेगा पति को करते हैं, कोई बोलेगा पत्नी को करती हूँ, यही तो बोलेंगे ना। लेकिन शास्त्र कहता है ये जगत में प्रेम नाम का कोई चीज है ही नहीं, ये जगत केवल स्वार्थ में भरा पड़ा हुआ है। आप लोगों ने देखा है गन्ने से कैसे जूस निकालते हैं? देखे हो? बहुत बहुत देखे हो? देखना एक बार देगा जूस निकल जाएगा, देखेगा और थोड़ा पर डबल करके देगा, देखा और थोड़ा चार डबल करके देगा, बस और थोड़ा है देखना आठ डबल करके देगा, और जो पूरा निकल जाएगा फेंकेगा नहीं, अरे जला कर रोटी बनाएगा। ये संसार कैसे जानते हो? बोले आप कैसे हो? बोले जब तक जेब में पैसा हो, और पैसा कर और तुम कौन, ये संसार बड़ा विचित्र है। वो जो प्रेम प्रेम ऊपर से दिख रहा है ना, चूंकि आपसे कुछ मिल रहा है इसलिए ये प्रेम दिख रहे हैं, वो मिलना बंद हो जाए सारे प्रेम वही विकल्प हुए मिलेगा। इसलिए प्रश्न होता है फिर जगत में हम किसको सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं? कहते अपने आप, इस शरीर को जो प्रेम करेगा वही हमारा प्यारा है। इस शरीर चाहता है ऐसे कपड़ा पहनना चाहते जब पहनाएंगे, गोल गप्पे खाना चाहते तो खिलाएंगे, हाँ ब्यूटी पार्लर में जाना चाहते बोले चलो वही पर सजाएंगे। लेकिन जब इस शरीर को इतना प्रेम किया, जब अंतिम समय आए शरीर से पूछे साथ में चलोगी? कहते जब हंस अकेला उड़ जाएगा पिंजरा, तब पिंजरा वहीं पड़ा रह जाएगा। जब ये शरीर से परमात्मा चली जाए, जिस शरीर को इतने रोज बढ़िया शैम्पू साबुन से स्नान कराया, चवन प्रास खाए, ब्यूटी पार्लर में ले गए, जिम में ले गए, शरीर जहाँ के तहाँ वही रह गया, ये गई नहीं। दूसरी नंबर आई जो सबसे सुंदरी, राजा जिसको दुनिया को दिखाया करता था, जब उससे पूछा साथ में चलोगी, उसने क्या बोले? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, मैं दूसरे से शादी करूंगी। कहते भैया सबसे सुंदरी कौन है? कितना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये पैसा सबसे सुंदरी क्यों? पैसा के बगैर कुछ भी नहीं होगा, पैसा रहेगा बढ़िया गाड़ी में घूमेंगे, बढ़िया घर बनाएंगे, बढ़िया कपड़े पहनेंगे, दुनिया को दिखाएंगे, तब शमशान तक भी जो जाओ ना उसी समय भी बढ़िया गाड़ी में लेकर जाते हैं दुनिया को दिखाने के लिए, देखो कैसे गाड़ी में हमने चढ़ कर आया है। लेकिन उसको पूछा साथ में चलोगी? बोले चलूंगी क्या, मैं देख रहा हूँ तू कब मरोगे, दूसरे से शादी करूंगी। मतलब क्या है? आज पैसा हमारी पास में, बताओ बच्चों को कहाँ पर नजर है? केवल पैसा के ऊपर नजर है। पिताजी कितने प्रॉपर्टी, कितने दुकान वकान कहाँ पर है? हमारे गांव में हमने देखा है, अपना गांव में, हमारे गांव के सबसे जो बड़े व्यक्ति था, जब शरीर छूट गया ना, जिस बच्चे को हिस्सा में थोड़ा काम पड़ा था उधर डंडा लेकर के आ गया, बोले जो पिताजी की शरीर छूट गया सर फोड़ दूंगा, पहले पिताजी काफी निकालू, कितने पैसा प्रॉपर्टी कहाँ पर, पहले बंटवारा हो जाए फिर ये शरीर को ले जाएंगे। फिर बंटवारा हो गया ले गए, इसलिए पैसा आज हमारे पास में, शरीर छूटते ही दूसरों के पास में चली जाएगी। इसलिए कहते भैया मैं तो दूसरे से शादी कर लूंगी, तेरे साथ में जाने वाले नहीं। गया पैसा, अभी तीसरी पत्नी आई, तीसरी कौन थी? जिसका मीठा मीठा बोली सुनता था, मन की बात बोलता था, कहते ये कौन है? पहला नंबर आई पत्नी की, पत्नी से पूछा साथ में चलोगी?
बोला हाँ तेरे साथ में चलूंगी लेकिन दरवाजा तक चलूंगी। हमारे सनातन धर्म में पत्नी कहां तक जाएगी? दरवाजा तक जाएगी ना। बोले आगे बोले ज्यादा बोलोगे तो चार कदम बढ़ूंगी आगे नहीं चलूंगी। परिवार वालों से पूछे चलोगे? बोले क्यों नहीं, तेरे लिए अर्थी सजाएंगे और राम नाम करते करते ले जाएंगे। बोले कहां तक? बोले शमशान तक। वही जला करके टाटा करते करते वापस चले आएंगे। बोले आगे? बोले आगे और नहीं जा सकते। देखो अभी ध्यान दे कृष्ण जो काम की बात है, जीवन में राजा कभी जिसको पलट कर भी नहीं देखा, जीवन में जिसको सबसे ज्यादा नफरत करके रखा था, ये किसी काम की नहीं, सब बेकार है। लेकिन जब अंतिम समय में उससे पूछा है ना, केवल वही जाने के लिए तैयार है। कहते ये कौन है जिसको जीवन में सबसे ज्यादा नफरत करके रखी? बोले भगवान की भक्ति, भगवान का नाम है। किसको बोलो थोड़ा हरि का नाम भजन कर, बेकार काम है। जिसका कोई काम धाम नहीं ना, वही सब बैठ करके हरे कृष्ण नाम करते हैं। हमारे बहुत सारे काम है, टीवी देखना, स्मार्टफोन देखेंगे, यार दोस्तों के साथ में घूमते रहेंगे, ये सब बेकार काम भजन भजन है। लेकिन भैया जीवन में जो कुछ कर लो, लेकिन जब अंतिम समय आएगी, जब चार व्यक्ति कंधे पर ले जाते हैं, आप लोग सुने हो क्या बोलते बोलते ले जाते हैं? अरे जोर से बोलो, यही बोलते है ना, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोल दत्य है, सब बिला झूठा। किसको सुनाते हैं? वो जो ऊपर लेटा हुआ है। कह देख बेटा, जीवन में जितने तुमने राम कृष्ण का नाम लिया, अभी तेरे साथ में वही जा रहा है। इसके सिवाय जीवन में तुमने जो कुछ कमाया धमाया, यहाँ से एक सुई धागा भी तेरे साथ में। पत्नी रो रो करके दरबार तक जाएगी, परिवार शमशान तक जाएगी, शरीर वही के वही रह जाएगी, पैसा बच्चों ने बंटवारा करके पैसा ले लेंगे, लेकिन साथ में क्या जाएगा? बोले पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। जितने तुमने राम का नाम कृष्ण का नाम लिया वही गया और जगह में सब ही हो गए। लेकिन अगर किसको बोलो भैया भजन कर भक्ति करो, बोले समय कहाँ है? समय कहाँ हमारे पास में? देखना सारे काम के लिए समय है, लेकिन जब भगवान के भजन की बात बताओ ना, हमारे पास में कोई समय नहीं। नहीं भैया देखो, हमारे बड़े गुरु जी कहते थे, बोले 100 काम छोड़कर अपना भजन करो, 1000 काम छोड़कर के अपना काम धंधा करो। गुरु जी कहते थे, बोले करोड़ों काम छोड़कर भजन करो, क्योंकि तुम्हारी साथ में यही जाने वाले, यहाँ से कुछ भी तुम्हारे साथ में जाने वाले नहीं। जब जाने वाले नहीं, उसको पीछे हम लगे। अगर किसी व्यक्ति को बोले थोड़ा भजन करो, बोले समय कहाँ? बोले क्यों? बोले बच्चे के लिए थोड़ा पैसा कमा करके रखना ना। गुरुदेव कहते थे भैया बच्चे के लिए ज्यादा पैसा मत कमा कर रखो। गुरुदेव मना करते थे कि वो होना होगा तो कमा ही लेगा, अगर नालायक बनेगा ना, सारे पैसा को दारू पी करके, शराब पी करके, मांस खा करके, जुआ करके उड़ाएगा। किसकी बच्चे ज्यादा बदमाश होते हैं बोलो? किसकी बच्चे ज्यादा बिगड़ते हैं? आपने सलमान खान का नाम सुने होंगे, उसका बच्चा क्या ड्रग्स क्या उसको क्या, शाहरुख खान, शाहरुख खान का बच्चा क्या करता था सर? ड्रग्स को ये देता था। अभी पता नहीं कहाँ फरार हो गया, कहाँ फरार हो गया। इसलिए भैया क्या करो, भगवान की भजन करो, हरि का नाम जप करो। इसलिए मीरा कहती है दीन दीन भड़क सवार, ये धन बोले चोर नहीं लेवे, लूटे नहीं जावे, दीन दीन बढ़त सवाए। ये धन को कोई नहीं ले सकता, अगर पत्नी कमाएगा ना पत्नी नहीं ले सकता है, पति कमाएगा तो पत्नी नहीं ले सकते है, पिता माता कमाएगा तो बच्चे नहीं ले सकते है। जो कमाएगा इसी जीवन में वही इसी जीवन में मालिक, और अगली जीवन में पूरा के पूरा मालिक आप ही बनो। कबीर का नाम सुने हो? देखो कबीर दास क्या कहते हैं, कबीर कहते हैं मरने में सब जग डरे, मेरा मन आनंद है। तो दुनिया मरने के लिए डरता है, लेकिन मैं तो खुश हो रहा हूँ। किसने कहा भैया तू क्यों खुश हो रहे हो? देखो वो क्या कहते हैं, बोले कारण है, एक व्यक्ति क्यों डर रहे मरने के लिए? बोले भजन नहीं किया, राम के नाम नहीं किया, पता नहीं मरने का बाद कौन सा पेड़ पौधा कौन सा नरक में जाना पड़ेगा। बोले तू क्यों खुश हो रहे हो? देखो क्या कहता है, बोले जिंदगी भर मैंने राम का नाम मैंने जप किया है, मेरे को पता है मेरे लिए वीआईपी व्यवस्था होगा,
क्योंकि दीना दीना बड़ा तो सवाए, ये धन मेरे लिए पूरा के पूरा जमा हुआ है, ऊपर ही जाऊंगा तो पूरा के पूरा हमें यही धन ही मिलेगा, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए खुश हो रहा हूँ। इसलिए पहले मैंने बताया था ना, श्री चैतन्य महाप्रभु ने, जब चैतन्य महाप्रभु को भक्तों ने निमंत्रण दिया हमारे घर में भोजन नहीं, महाप्रभु क्या बोले, बोले सबको घर में भोजन नहीं करता हूँ, बोले किसको घर में भोजन करते हो, बोले जो लखपति बनेगा। आज से 550 साल पहले लखपति कोई साधारण बात नहीं था, जिसको घर में 1,00,000 स्वर्ण मोहर हो, भक्तों लोग तो दुखी हो गए, बोले प्रभु हमारे घर में 100 रुपया भी नहीं, 100 रुपया मतलब क्या, जिसको घर में 100 स्वर्ण मुद्रा हो, बोले प्रभु क्या हमारे घर में भोजन नहीं करोगे, अरे भगवान सबको बैठाया, बोले जानते हो असली लखपति कौन, बोले कौन है, बोले रोज आना जो 1,00,000 ठाकुर का नाम जप करता है वही असली लखपति है। इसलिए मीरा कहती है ले लो रे कोई राम का प्यारा आवाज लगाओ गली गली, राम नाम के हीरे पति मैं भी तेरा गली गली। हाँ मेरे तरफ में देख लो, देखो आज आपको एक ने माला दूंगा, ठीक है, कौन कौन माला लेगा, हरि नाम करेगा। देखो इधर हम दो तरह से माला देते हैं, देखो इस चीज को समझ लो, अगर कोई पूरा प्योर वेजिटेरियन अगर है, यहाँ मांस मछली नहीं, यहाँ तक भी प्याज लहसुन जो नहीं खाते हैं, फिर उसको गले में हम तुलसी की पट्टी देते हैं, फिर तुलसी की माला देते हैं। लेकिन जो बोलेगा हम एक साथ में छोड़ नहीं सकते हैं, हम धीरे धीरे छोड़ेंगे, फिर हम उसको तो जप करने के लिए नीम की माला देते हैं, फिर गले में तुलसी की पट्टी उसको नहीं देते हैं, उसको नीम माला देते हैं जप करने के लिए। अरे जप करते 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 जब पूरा प्योर वेजिटेरियन बन जाता है, यहाँ तक भी प्याज लहसुन नहीं खाए, फिर उसको हम तुलसी माला देते हैं, फिर कृष्ण मंत्र देते हैं, दीक्षा देते हैं, फिर आगे धीरे 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 बढ़ाते हैं। इसलिए जिनकी इच्छा होगी कि नहीं फिर आप प्याज लहसुन हम छोड़ ही देंगे, फिर गले के लिए तभी हम तुलसी कंठी देंगे, नहीं तुलसी कंठी हम नहीं देते हैं। और उनको एक एक हम नीम माला देते हैं, नीम माला में प्रैक्टिस करते रहना और अपना जो नाम है यहाँ पर लिखवा करके जाना, क्योंकि हम यहाँ बीच बीच में हम आते रहते हैं। पास में जो 12 सेक्टर में अपने अपना मंदिर बन रहा है, राधाष्टमी जन्माष्टमी, बड़े बड़े संतों को अच्छी तरह से वहाँ पर विधि मनाया जाता, प्रसाद होता है बहुत बढ़िया प्रसाद उत्सव, अगर जुड़े रहोगे तो भक्ति में जुड़े रहोगे, समझ रहे हो। अपना नाम और अपना फोन नंबर देख करके जाना, हम व्हाट्सएप में कब एकादशी कब व्रत है हम ये चीज को बीच बीच में भेजते रहते हैं, फिर आप घर में बैठे बैठे कर पता चलेगा आज ये तिथि आप जानी चाहिए मंदिर में, ठीक है ना। इसलिए आप जाते समय यहाँ से जब कथा विश्राम हो जाएगा, जो चाहते हैं हम माला जप करेंगे, यहाँ से माला लेकर जाएंगे, ठीक है। और एक देखो यहाँ पर है, कहाँ गए बापू जी, कहाँ गए, हरे कृष्णा, हाँ बापू जी है। देखो जो लोग कथा में बैठे हैं, पहले इन्हीं के लिए प्रसाद की व्यवस्था होनी चाहिए, वहां पर जो लाइन लगाए, जो बाद में आते हैं उनको प्रसाद बाद में मिले, लेकिन जो कथा में बैठे हैं सबसे पहले इनको प्रसाद मिले, वहां पर ये व्यवस्था कीजिएगा, ठीक है। वहां पर पत्तल लेकर के कोई खड़े हो जाए, जो कथा से निकले पहले सबसे पहले इनको पत्तल मिले, बाद में जो लोग आएंगे उनको बाद में प्रसाद मिले, लेकिन कथा में जो आए सबसे पहले इनको। कल कुछ माताएं बिना प्रसाद पाए जा रहे थे, बोले प्रसाद क्यों नहीं दिया, बोले इतने बड़े लाइन है अभी कितना समय लगेगा, इसलिए सबसे पहले आप लोगों को पहले प्रसाद मिलेगा, ठीक है ना, जो कथा में बैठे। इसलिए गेट में खड़े होकर के वहां पर दो लाइन लगाए, अब पहले पत्तल सबसे पहले इन लोगों को पत्तल दिया जाए गेट में, जिसको हाथ में पत्तल होगा इनके लिए कथा से उनके लिए अलग लाइन लगा दे, पहले आप लोगों को प्रसाद भरे दूसरों को प्रसाद होगी, ठीक है। श्री वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रजेश जी, हाँ अभी तुम बन कर राधा रानी को पत्नी को लेकर के आओ, अभी राधा रानी की जन्म, आप लोग कोई कथा से उठना नहीं, सब बैठो, अभी राधा रानी जन्म लेगी, इसको बाद में फिर प्रसाद लेकर के जाना। और कल गिरिराज गोवर्धन की पूजा है, सबके सब कुछ ना कुछ घर से पूजा के लिए लेकर के आई, श्रीमती राधा रानी की।
जैसे ब्रिसवान महाराज की, जैसे कृतिका सुंदरी की, जय जय श्री राधे। बोला हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले गुरुपाद पद्मा ओम विष्णु पाद स्तोत्र सदा श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत श्रीधर गोस्वामी गुरु महाराज चरण में साष्टांग नमन प्रणाम करूं कहते कृपा वांछा करता हूँ। तत्पश्चात परम गुरुदेव वर्ग रूपानुग गुरु वर्ग स्वपार्षद सपरिकर गौर नित्यानंद प्रभु श्री राधा गो रमण बिहारी जीव समस्त वैष्णव वैष्णवी वृंद कथा श्रवण कर माता है सबके चरणों में आपका अदम का जथा जो कि दंड प्रणाम स्वीकार हो। बोलो श्रीमती राधा रानी की। माताएं थोड़ा आगे आगे आ जाइए और थोड़ा आगे आगे आ जाइए। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो श्रीमद् भागवतम के आज पंचवा दिन है और इसमें विशेष करके श्रीमती राधा रानी का जन्म वृतांत हम श्रवण करेंगे। कोई पूछेगा कि भैया आप इतने बड़े भागवत कह रहे हो और आप राधे राधे नाम जाप कीर्तन आदि कर रहे हो, लेकिन भागवत जी में तो राधा रानी का नाम है ही नहीं, भागवत जी में तो राधा जी का नाम है ही नहीं। तो इसमें हमारे टीकाकार बता रहे हैं भागवत जी पूरा राधामय ग्रंथ ही है। देखो भागवत जी का नाम क्या है, श्रीमद् भागवतम, श्री यानी राधा रानी, राधा रानी मद यानी प्रेम, जो राधा रानी के प्रेम पूर्ण जो ग्रंथ है वो श्रीमद् भागवतम है। लेकिन कुछ विशेष कारण से, समय का अभाव है नहीं तो हम वर्णन करते, कुछ विशेष कारण से सुखदेव गोस्वामी ने ये श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का नाम बोले। सुखदेव गोस्वामी पाद इस श्रीमद् भागवतम में राधा रानी का देखना नाम नहीं आता, तो श्री सुखदेव गोस्वामी पाद वर्णन कर रहे बोले क्यों नहीं आता। तो इसमें बता रहे हैं कि ये सुखदेव गोस्वामी कौन है, ये सुखदेव गोस्वामी ये राधा रानी के प्रिय सुखदेव, ये राधा रानी के निकुंज में हर समय विचरण करते हैं, राधा रानी के लीलाओं को दर्शन कर लेते हैं। जिस समय राम जी इस जगत को छोड़ के जा रहे थे तब उसी समय उन्होंने सब किसको छोड़ के गए बताओ तो, किसको छोड़ के गए, हनुमान जी को। और जिस समय कृष्ण और राधा रानी इस धाम से इस जगत से नित्य धाम जा रहे थे तब उन्होंने ये सुखदेव गोस्वामी को छोड़ा, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी राधा कृष्ण के सब लीला के साक्षी स्वरूप हैं और सब निकुंज में प्रवेश करते हैं और प्रवेश करके उस मधुर मधुर लीला को दर्शन करते हैं। और कभी कभी राधा रानी प्रेम पूर्वक इनको अनार के दाना खिलाते हैं, पवित्र चंचु प्रिय चुंबनेना, कभी कभी राधा रानी अपने प्रेममय अधर से ये क्या करते हैं सुखदेव गोस्वामी, ये सुख तोता को चुंबन आदि करते हैं। तो बता रहे हैं ये सुखदेव गोस्वामी राधा रानी को अपने इष्ट मानते हैं, अपने इष्ट मानते हैं। तो इसका एक कारण ये है कि जो इष्ट का नाम है, जो गुरुदेव का नाम है, कि दही दही नहीं लेना चाहिए। जैसे हम गुरुदेव का नाम लेते हैं बोलने भैया तुम्हारे गुरु कौन है, तो झट करके बोल देना ये अपराध है, अपने इष्ट का नाम जल्दी करके तुरंत मुंह में आके बोल देना ये अपराध है। इसके लिए कुछ विशेष संज्ञा कुछ विशेष पद लेके इसके वो बोलना चाहिए। और दूसरा कारण ये है कि राधा नामम उच्चारणम सड़मार्सी मूर्छाम भवे, राधा रानी का नाम उच्चारण करते ही ये सुखदेव गोस्वामी इतने प्रेम में मदमत्त हो जाते थे कि 6 महीने तक मूर्छा हो जाते थे। अब बताओ परीक्षित महाराज जी के पास कितने दिन था, 7 दिन था। अब एक बार राधा रानी का नाम ले लेते और सुखदेव गोस्वामी 6 महीने अगर मूर्छित हो जाते तो भागवत जी कौन श्रवण करवाते। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में विशेष करके राधा जी रानी का नाम कहीं कहीं
बहुत स्थान पे गुप्त रूप में वर्णन, कहीं गोपी रूप में, कहीं पद्मा रूप में, इस प्रकार राधा रानी का नाम सुखदेव गोस्वामी इंगित पूर्वक लिए हैं। तीसरा अर्थ है कोई मानो कुएं का जल है, कोई कुएं का जल है और कोई नदी का जल है। भैया नदी का जल तो सब लोग जाके लोटे से, बाल्टी से, डिब्बा से सब भर भर के ले जाओगे घर में, अब बताओ कुएं का जल कैसे लेना पड़ेगा। कुएं का जल लेने के लिए दो चीज चाहिए, रस्सी और मटकी। अगर बिना रस्सी और मटकी के कुएं के अंदर प्रवेश करके जल नहीं निकाल सकते। इसलिए जो कृष्ण प्रेम है ये बताया गया है, ये नदी का जल, ये समुद्र का प्रेम जल है, जिसको हर तरीके के लोग, हर संप्रदाय के लोग उसको क्या करते हैं, उसमें से ग्रहण करते हैं, कृष्ण भक्ति करते हैं। लेकिन भैया ये जो राधा रानी का प्रेम है ये बताया गया है कुएं का जल, जिसके हाथ में प्रेम रूपी रज्जु है, जिसके हाथ में श्रद्धा रूपी पात्र है, वही क्या करेगा, उसी प्रेम रूपी रज्जु और श्रद्धा रूपी पात्र से इस जल को निकाल पाएगा। ये अत्यंत गूढ़ प्रेम है जो कुएं के जल के सदृश राधा रानी को प्रेम को यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। और एक उदाहरण से वर्णन बता रहे हैं कि जैसे हम लोग माताएं लोग बड़े श्रृंगार करने में बड़े रुचियां रखते हैं, माताएं को बोलो घर के काम बंद कर दो और सजने भजने में लग जाओ तो माताएं पता नहीं कितने महीने बिता देंगे, बड़े श्रृंगार में रुचि रखते हैं। तो माताएं मेहंदी लगाते हो कि नहीं, मेहंदी लगाते हो। आजकल तो जैसे आ गया है कैसे कि कोई लिक्विड दे के पूरा पूरा क्या क्या एकदम से स्टाम्प लगा दिया और हो गया एक मिनट में। पहले जमाने में माताएं से पूछना, वो माताएं कैसे मेहंदी लगाया करती थी, बोले पेड़ से पत्ते तोड़ के, मेहंदी के पत्ते तोड़ के उसको ग्राइंडिंग करके फिर हाथ में लगाया करती थी। अब बताओ मेहंदी का रंग क्या है, लाल है। मेहंदी का पत्ता का रंग क्या है, हरा है। लेकिन क्या वो वास्तव में हरा है, वो वास्तव में क्या हरा है, क्या वो वास्तव में लाल है। इसलिए यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि श्रीमद् भागवतम यद्यपि ऊपर से कृष्ण कृष्ण दिखाई दे रहे हैं लेकिन वो वास्तव में पूर्ण रूप में राधा परक ग्रंथ है। अब बता रहे हैं कि कहाँ कहाँ इन्होंने लिया। सबसे पहले तो जो मंगलाचरण के श्लोक है, सत्यम परम धीमहि, जी व्यास जी ने स्तुति कर रहे हैं कि मैं सबसे पहले अपने इष्ट को, वो परम सत्य को ध्यान कर रहा हूँ। तो टीकाकार कहते हैं वो परम सत्य कौन है, बोले कृष्ण है। बोले कृष्ण भी नहीं, वो परम सत्य राधा रानी और कृष्ण है। तो इस प्रकार रासलीला के मध्यम में भी जब कृष्ण एक गोपी को लेके अंतर ध्यान हो जाते हैं तब गोपियां बड़े व्याकुल हो जाते हैं और गोपी गीत करते हैं। तो बता रहे हैं कि इस गोपी, एक गोपी को लेके जो अंतर ध्यान हो गए और वो कोई नहीं था, वो श्रीमती राधा रानी है। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत ग्रंथ में पूर्ण रूप में ये राधा परक ग्रंथ है। अब देखो श्री राधा रानी का जन्म वृतांत कुछ इस प्रकार है कि जिस समय नंद के यहाँ, नंद बाबा के यहाँ बड़े सुंदर अभी अभी चल रहा है क्या, नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, बड़े उत्सव चल रहा है। अब इतने में पूतना मौसी आ गई। अब पूतना मौसी ने जैसे ही ब्रज में उत्पात करने लगे, सब अपने अपने बच्चे को घर घर में छुपाने लगे। अब इतने में ये विश्वानु महाराज और कीर्तिदास सुंदरी, इनके घर में केवल एक लड़का था, एक लाला था, इनका नाम सीताम भैया था। ये सोच रहे हैं भैया हमारे घर में लाली कब जाएगी। देखो यहाँ पे बता रहे हैं कि जो पत्नियां हैं, जो स्त्री हैं, उनको बोला गया है लक्ष्मी, उनको बोला गया है लक्ष्मी, क्योंकि ये शक्ति हैं, इनके हाथ में सब चीज है, इसलिए इनको लक्ष्मी बोला गया है। लेकिन देखो भैया लोग बोलते हैं कोई नारायण, कोई बोलते हैं, कोई नहीं बोलते हैं। देखना घर में अगर कोई छोटी सी बच्ची का अगर किसी का जन्म हो गया तो क्या बोलते हैं, बोले घर में तो लक्ष्मी आ गई। लेकिन कोई बच्चे का जन्म हो गया नारायण आते कोई बोलते हैं, बोले नहीं। इसीलिए ये लक्ष्मी, ये बेटी का इनका बड़ा, ये विश्वानु महाराज ये सोच रहे थे कि हमारे घर में तो एक लाला है, भैया लाली कब जाएगी। अब इतने सोचते सोचते ये विश्वानु महाराज एक दिन यमुना में प्रातः काल में स्नान करने गए। स्नान करते करते अचानक से जैसे ही उन्होंने स्नान करके जैसे ही उठा, डुबकी लगा करके उठा,
देख रहे हैं कि एक सतदल कमल के ऊपर एक दिव्य सुंदरी, एक दिव्य छटा वाला, जिनके बड़े सुंदर नेत्र है, बड़े सुंदर मुस्कान और बड़े सुंदर शरीर के शोभा को दूर से ही देखे, वह भैया इतने प्रातः काल में कोई अपने बच्ची को यहाँ क्यों छोड़ के चले गए, और उनको घर में लेके आ गए, और घर में लेके आके कृतिका मैया को बोल रहे हैं कि देखो मैया सुन लो, आज हमने ये देवी मैंने स्नान करते करते एक बच्ची को देखा और इसको मैं घर में ले आया, हमारे घर में तो लाला ही था, अब भगवान की कृपा से एक लाली भी आ गई। लेकिन एक बात है, ब्रज में अभी राक्षस पूतना पता नहीं कितने कितने असुर लोग भ्रमण कर रहे हैं, कौन किस रूप में आ रहे हैं कुछ पता नहीं चल पा रहा है, इसलिए तुम क्या करो इसको छुपा के रख दो, कोई पूछे तो बताना मत। अब कृतिका मैया तो छुपा के रख दी। इतने में नारद जी भगवान की कीर्तन करते हुए जैसे ब्रज में आए, नारद जी सोच रहे हैं भैया कृष्ण तो जन्म हो चुके हैं, नंद उत्सव तो हो चुका है, कृष्ण के छोटे छोटे सखा श्रीराम मधुमंगल अर्जुन स्तोक कृष्ण आदि जन्म हो चुके हैं, सखियां भी जन्म हो चुके हैं, लेकिन कृष्ण के जो शक्ति, क्योंकि कृष्ण इस जगत में अकेले नहीं आते, अपने शक्ति को लेके आते, राम जी इस जगत में आए सीता मैया को लेके आए, इसीलिए बता रहे हैं कि कृष्ण इस जगत में आए तो अपने शक्ति को लेके आए होंगे। बोले शक्ति कहाँ है? अब घर घर नारद जी घूम घूम के पूछने लगे, बोले तेरे घर में कहा जाए हो है? सब तो अपने डर के मारे बच्चे को छुपा रखे हैं, कोई भी बोल नहीं रहे। अब इतने में नारद जी ढूंढते ये वृषभानु महाराज जी के घर पे आए, अब वृषभानु महाराज जी को बोलते हैं, बोले बाबा तेरे घर पे क्या लाली जायो है, तेरे घर पे क्या लाली जायो है? वृषभानु महाराज कहते हैं बाबा मेरे घर तो लाला जायो है। बोले लाला जायो नहीं, देख का लाली जायो है? इतने में नारद जी पूछ रहे हैं तो वृषभानु महाराज बोल दे कि हाँ हमारे घर में एक लाली भी है। अब इतने में नारद जी कहते हैं बोले जल्दी करके ले आओ, जल्दी करके। जैसे ही वृषभानु महाराज श्री उस लाली को लेके आते हैं, नारद जी तो प्रत्यक्ष देखते हैं, प्रेम से गदगद हो जाते हैं, और प्रेम से गदगद होते हुए नारद जी ने स्तुति करते हैं। देखो ये जो स्तुति है इसको स्तोत्र राज कहा जाता है, कोई राधा कुंड में इस स्तुति को 108 बार अगर पाठ करे तो बताते हैं साक्षात राधा रानी प्रकट हो गए उनको कृपा करती है, ये स्तुति का इतना महिमा है। तो नारद जी स्तुति करते हैं, मुनिन्द्र विंद वंदित त्रिलोक शोकहारिणी प्रसन्न वक्र पंकज निपुंज भूमि काशिनी ब्रजेन्द्र शोनुसंगति कदा करी शशिरमा कृपा अपना प्रियतम श्री कृष्ण को देख करके दुनिया को देखूंगी, लेकिन मैं
लेकिन आंख तो बंद की थी, मैया यशोदा कृष्ण को ला करके राधा रानी को पास में लेटा दी। इतने में कृष्ण अपना हाथ राधा जी के ऊपर रखे और राधा जी को स्पर्श होते ही वो समझ गए मेरे प्रियतम आ गए। फिर उन्होंने आंख खोल करके सामने श्री कृष्ण को दर्शन किया। है तो वृषभानंद महाराज के आनंद की सीमा नहीं रही। जैसे उत्सव कर रहे थे ना, उससे 10 गुना उन्होंने उत्सव करने लगे। अभी हमारे प्रभु जी बड़े सुंदर सुंदर भजन गाएंगे। देखो हमारे बीच में एक माता जी, क्या नाम तुम्हारी माता जी? हाँ देखो ये माता जी जगपति है। ये जो मकान देख रहे हैं ना, ये मकान की मालिक यानी है। जब उन्होंने बोले हम यहाँ पे कथा कराएंगे, तो माता जी बड़ी प्रसन्न हुई। पर बहुत अच्छी बात है, भागवत कथा हो इससे तो पुण्य, जगत में बड़ा पुण्य हो ही नहीं सकता है। क्योंकि जहाँ पर भागवत हो पृथ्वी का सारे तीर्थ वहीं पर आकर बैठ जाते हैं। इसलिए माता जी गुजरी है ना, गुजर क्या खोल की बढ़िया 70 साल की उम्र में रही है। इसलिए ताली बजाओ के लिए माता जी को ताली बजाओ। इसलिए ऐसे ही यहाँ पर कथा होते रहे और खूब भगवान के नाम हो। वो भी यहाँ पर आई बारी कल काम है, ठीक अच्छी बात है, ठीक। हाँ अभी बधाई जाएंगे, अभी हम लोग राधा रानी की भजन में सबको नाचना कीर्तन करना, ठीक है? हाँ जिनकी इच्छा होगी आप माला जब करना चाहते हैं आप लोग माला लेकर के जाना, ठीक है? राधा रानी को भयो बता, तो राधा रानी को भयो बता, बधाई बाजी रही राधा रानी को भयो I'm not afraid.
Come on.